ये अब थोड़ा ज़्यादा लेट हो चुका है। देखो, साल का पहला दिन 10 फरवरी नहीं होता, ये मुझे भी पता है। अब यार क्या कहूँ कि रास्ते में कोई टैक्सी नहीं मिली, इसलिए वीडियो लाने में देरी हो गई। एनीवेज, मजाक साइड में करते हैं, बहुत बात करनी आज। तो देखो यार, आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो और यारो, क्या हाल है इस ऑडियंस के? इट्स डीसी हियर बैक विद अनदर वीडियो। और इस बार हम जर्नी करने वाले हैं हम सफ़र एक्सप्रेस में, जो कि रामेश्वरम से अजमेर के लिए जाती है। और जैसे कि सभी देख पा रहे होंगे, हमको आज यार वेब सर्वम दिया गया है टीकेडी शेड का 30650, जो कि हमारी हम सफ़र एक्सप्रेस के साथ इटारसी जंक्शन पे खड़ा हुआ है। और ये आप देख पा रहे होंगे, ये जो हॉर्न की साउंड आ रही है ना, ये मुझे लग रहा है या तो पंजाब मेल का जो लोको है वो बजा रहा है, या फिर एक ट्रेन अराइव कर रही है और एक ट्रेन डिपार्ट कर रही है यहाँ से इटारसी से। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे 12792 DNR, ये कहाँ का कोड हुआ? दानापुर शायद। गाइस, जहाँ तक मुझे पता है ये दानापुर है, और SC तो आपको पता ही है, सिकंदराबाद सुपरफास्ट। तो दानापुर से सिकंदराबाद जाने वाली जो LHB ट्रेन है, सुपरफास्ट ट्रेन है, वो इटारसी में अराइव कर रही है। और पंजाब मेल ने जस्ट अभी प्लेटफॉर्म नंबर तो यार मुझे नहीं पता, बट उसने डिपार्ट कर लिया है। और ये पंजाब मेल जाएगी किस तरफ? जी हाँ, दिल्ली की तरफ। यार उस तरफ हमें भी जाना है। जैसे कि आप देख पा रहे होगे, हमारा जो टाइम टेबल की विंडो है उसमें लिखा है पैसेंजर बोर्डिंग कंप्लीटेड, मतलब आपके पैसेंजर जो हैं वो बोर्ड कर चुके हैं और आपका जाने का समय भी हो चुका है। बट एक्चुअली क्या है, आप देखो, पंजाब मेल अगर यहाँ से जा चुकी है, यार उस तरफ हमें भी जाना है, तो इसलिए यहाँ पर थोड़ा सिग्नल के लिए वेट करना पड़ जाएगा। गैस यार, आज ना बहुत ही अजीब किस्म की चीज़ें भी कह सकते हैं, अब मुझे नहीं पता इस चीज़ को कैसे बताया जाए। हाँ देखो, मुझे पता है कि इस एक्टिविटी को मैंने बहुत टाइम पहले, मतलब बहुत लाइक बहुत ज़्यादा टाइम पहले रिलीज़ कर दिया था, बट इसकी वीडियो बहुत लेट आ रही है। खैर, इसी के नहीं, मेरे साल की पहली वीडियो कुछ ज़्यादा लेट आ रही है। लोग अपना न्यू ईयर कब मनाते हैं? 1 जनवरी को। मेरा इस चैनल की फर्स्ट वीडियो कब आ रही है साल की? 10 फेब को। तो देखते हैं, अगर मैं इसकी बात कर पाया तो बढ़िया है, अगर नहीं हो पाई तो कोई नहीं, आगे कभी किसी और वीडियो में सही। बट आज का अपना सफ़र शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये कोई LHB ट्रेन कितनी शानदार लग रही है यार। अपने हमजा भाई के कोचेज हैं, एक तो यार इनके ICF कोच आए या नहीं मुझे इसका भी नहीं पता। एज मैं सिर्फ YouTube से ही अभी थोड़े टाइम के लिए दूर नहीं हुआ था, मैं सोशल अकाउंट से भी पूरा अलग हो रखा हूँ, सोशल हैंडल से पूरा। तो मेरे को नहीं पता अपने BGP के ICF अभी आए हैं या नहीं आए हैं, तो आप बता सकते हो। अगर आ गए होंगे तो यार नेक्स्ट वीडियो उसी पे बनाई जाएगी। एंड ये आप देख सकते हैं, इटारसी रेलवे स्टेशन पर कोई और ट्रेन भी खड़ी है, 11033 ज्ञान गंगा एक्सप्रेस। ये ट्रेन कहाँ से कहाँ जाती है यार? शायद मुझे इसकी सोर्स तो पता है, शायद पुणे हो सकती है, बट इसकी डेस्टिनेशन मुझे ध्यान में नहीं है। ये आप बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। और एक तो यार सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या है, जब भी कोई लोको पायलट या असिस्टेंट लोको पायलट, लोको पायलट ही, ALP तो कहाँ ही, जो लोको पायलट इस ट्रेन को पीछे से लेके आते हैं ना, या किसी भी ट्रेन में देखना, जब भी हम स्टार्टिंग में इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव मिलता है तो यार वो हमको ऑफ हुआ क्यों मिलता है, ये मुझे समझ नहीं आता। अब इसमें डबल मेहनत हमारी लग जाती है यहाँ पे। तो चलो इस लोको को पहले तो ऑन करते हैं यार। और वैसे क्या साउंड कर रही है यार अपनी ये LHB ट्रेन जो अराइव कर रही है, और देख रहे हो कितना रियलिस्टिक लुक मिल रहा है यहाँ पे। तो चलो गाइस, यहाँ पे Web7 को यार ऑन कर लेते हैं। एनीवेज, मैंने देखो इसकी कुछ भी नॉलेज नहीं है मेरे पास, फिर भी मैं ये कर रहा हूँ। कोई नहीं, टाइम है, समय के साथ सब एडवांस हो जाते हैं, तो ये मुझे नहीं पता। जी हाँ, ये आई गेस अपना पेंटो का स्विच होता है, ये पेंटो हमारा ऊपर हो जाएगा, एंड देन आई गेस इसको ऑन करने का। हाँ यार, आपको वो आवाज़ आई स्पार्क की? अपना पेंटो जो है ऊपर टच हो गया था वो HE वायर से। क्या बात है यार, अपने Web7 की गाइस अभी तुम लोगों को साउंड आई? जब हमारा Web7 रियल लाइफ में जैसे ऑन करते हैं लोको पायलट्स, तो क्या शानदार साउंड आती है, एकदम वैसे ही। और गाइस, आज अपना जो ओपन रेल्स का वर्जन है वो स्टेबल वर्जन है, तो ये देख रहे हो ये लाइटनिंग वगैरह ये डांस नहीं करेंगी जहाँ तक है आज। एक तो गाइस आज अपने को यार इटारसी जंक्शन पर थोड़ा टाइम लगेगा, तो मैं एक काम करता हूँ, ज़्यादा वेट नहीं करवाऊँगा, अब जल्दी से यार जैसे सिग्नल मिलता है उस पार्ट पर जो है इस वीडियो को ट्रिम करता हूँ। तो गाइस ये आप देख पा रहे होगे यार, ये कौन सी ट्रेन थी? वाह यार, तुम इतनी जल्दी ये भी भूल गए। दानापुर से सिकंदराबाद के लिए जाने वाली जो सुपरफास्ट ट्रेन थी, ये यहाँ पे आके रुक चुकी है इटारसी जंक्शन पे। क्या बात है यार, देख रहे हो EOG और अपना लोको ऑलमोस्ट साथ में खड़े हैं, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो रखा है, चलो यार इतना तो चलता है। एक तो गाइस अभी भी यार सिग्नल नहीं मिला है, उसका इंतजार करते हैं। यार आज सारी की सारी उल्टी सीधी हरकतें अपने साथ ही क्यों हो रही हैं? ये देखो डुअल Wagon 9 कोल, जिसमें कोयला भरा पड़ा है लोडेड, मतलब यहाँ इस मालगाड़ी को निकाला जा रहा है, और वो भी कहाँ से? ये आ रही है दिल्ली की साइड से।
मतलब एक और यहाँ पे ब्लॉक लग चुका है यार। बड़े स्टेशनों का ना यही दिक्कत होती है, आपकी ट्रेन ज़्यादातर इसी वजह से लेट हो जाती है कभी भी, जब भी बड़े स्टेशन को पास कर रही होती है। ऐसा ट्रैफिक ही इतना ज़्यादा होता है, और मेन लाइन तो यार ऑब्वियसली एक दो ही होती है, तो उन पर से कभी ट्रेन आती रहती है, कभी जाती रहती है, कभी किसी लाइन पर जा रही होती है, कभी किसी यार्ड की किसी लाइन पर जाएगी, तो इस बीच यार थोड़ा लग जाता है टाइम। आपने देखा होगा किसी बड़े स्टेशन पर ऑन टाइम पर ज़रूर आपकी ट्रेन आ जाए, बट थोड़ा बहुत लेट हो जाते हो आप 10-15 मिनट कभी कभी। वैसे एक चीज़ सुन रहे हो, अपनी मालगाड़ी की क्या साउंड हो रही है, मतलब एकदम रियलिस्टिक वाली फील। एंड आई थिंक गाइस ये जो अपनी मालगाड़ी के साउंड्स हैं ये अपने प्रतीक भाई के फ्रेट साउंड्स हैं जहाँ तक मुझे ध्यान में है। यार एक तो ना मेरा साउंड वर्क ऐसा है कि मैं इतनी सारी मेरे पे साउंड फाइल्स हैं, मैं जो बढ़िया लगती है ना उसको अपने गेम में लगा देता हूँ कि भाई ये अगर साउंड अच्छी है तो इसको मैं लगा देता हूँ, तो मेरा अलग ही पैक बन जाता है, तो मेरे को पता ही नहीं चलता कि कौन सी साउंड फाइल किसकी है। तो गाइस देखो यार ये मालगाड़ी बहुत लंबी होने वाली है, तो मैं यहाँ पे तुमको फिर से वेट नहीं करवाऊंगा, इसके यहाँ से पास होने का वेट करते हैं, जैसे ही सिग्नल मिलता है अब वीडियो को उस पार्ट पे ट्रिम करता हूँ। तो गाइस यहाँ पर हमारी हमसफर एक्सप्रेस को मिल चुका है सिग्नल कहाँ से जाने का, इटारसी जंक्शन से। तो यार एक हॉर्न यहाँ पे बजा देते हैं, एक तो नहीं दो बजाने पड़ेंगे। और भाई आज के तो खैर गाइस अपने वेब सेवन में भी मैंने थोड़े अलग हॉर्न साउंड्स लगाई हैं, ये आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी अपनी वीडियोज़ में। भाई ठीक है वेब सेवन इतना ज़्यादा लंबा हॉर्न भी नहीं बजाना था यार, मत है कि थोड़ा बड़ा स्टेशन है बट थोड़ा लिमिट में। भाई कह रहा है एक तो इतनी टाइम बाद यार वीडियो ला रहे हो उसमें भी लिमिट दिखा रहे हो, आज तो अनलिमिटेड कर दो। खैर गाइस थोड़ी लंबी तो करने वाला हूँ मैं वीडियो, शायद 1.5 घंटे की कर दूँ, एज हमारा जो आज का सफ़र होने वाला है वो मैं इटारसी से भोपाल जंक्शन तक पूरा करने वाला हूँ, तो देखते हैं कितने घंटे में इसको कवर करते हैं। तो बस यहाँ पर हमारे दोनों हॉर्न बज चुके हैं, हमारी ट्रेन को यहाँ से जाने का सिग्नल मिल चुका है, तो चलो किस चीज़ की देरी है यहाँ पे निकलते हैं यार इटारसी स्टेशन से। ऐसा काफ़ी टाइम हो चुका है, ऑलमोस्ट 8 से 10 मिनट मुझे यहाँ पे लग चुके हैं। चल भाई वेब सेवन डिपार्ट कर यार इटारसी जंक्शन से। एक तो गाइस यहाँ पे ना ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा है यार, मेरा FPS नॉर्मली जो 60 रहता है वो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहे हैं यहाँ पे 40 और 55। गाइस यहाँ पे यार अपने वेब सेवन पे आएगा थोड़ा सा ज़्यादा लोड लग रहा है। अरे वाह ये देखो 1103 ज्ञान गंगा एक्सप्रेस, गाइस इटारसी जंक्शन से इसने भी अपना डिपार्चर ले लिया है। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में, खैर स्टार्टिंग तो नहीं कहूँगा, थोड़ा सा टाइम पीरियड के बाद अपने को भाई पैरेलल रेस भी देखने मिल चुकी है, बट गाइस यहाँ पर ये थोड़ी ज़्यादा नहीं रहेगी, ऐसे यार बड़ा स्टेशन है ना तो यहाँ पे 10 की लिमिट है, तो उस चीज़ को छुपाने के लिए कि कहीं तुम लोग मेरे को बाद में कमेंट सेक्शन में ना कहो कि भाई ओवर स्पीडिंग क्यों कर रहे थे, तो मैं यहाँ पे ट्रैक मॉनिटर को छुपा देता हूँ। वैसे मेरे ट्रेन ड्राइविंग इन्फो में भी मेरी स्पीड दिख रही है, लो इसमें भी नहीं दिखेगी अब। अच्छा यहाँ पे यार थोड़ा सा मैं लेट हो रहा हूँ ना, तो 5-10 किलोमीटर ऊपर मैं कर सकता हूँ, पर ये तो गेम है यार, गेम में कैसे भी चला सकते हो तुम। बट क्या यार पैरेलल रेस हो रही है यहाँ पे, अपना वेब सेवन देख रहे हो इतना शानदार हॉर्न बजाएगा आज। और एक चीज़ और सुनाता हूँ, ये सुना अभी तुम लोगों ने भाई, ये हॉर्न जब हमारा हाई स्पीड पर चलने वाला है ना, ऐसे कैसे हमारा जो इटारसी से भोपाल का सेक्शन है वो जहाँ तक मुझे पता है 130 का सेक्शन है या फिर 120 का, तो जब हाई स्पीड पर हमारी ट्रेन जाएगी, और तुम्हें पता है आज के LHB साउंड्स मैंने थोड़े से इम्प्रूव कर दिए हैं। ऐसे लास्ट वीडियो में क्या हुआ ना, मेरी जो दुरंतो एक्सप्रेस में चला रहा था उसमें मैंने आपको बोला था यार क्या टेरिफिक LHB साउंड्स हैं, बट मुझे बाद में पता चला कि मेरी जो साउंड्स की लेवल थी, मतलब वॉल्यूम लेवल थी वो ट्रैक साउंड की, वो थोड़ी कम थी, शायद आपको ठीक से सुनाई ना दी हो, बट आज की वीडियो में भाई मज़ा आ जाएगा, फाड़ देगा ये वेब सेवन आज क्या भाई स्पीड में। ये भाई सुन रहे हो, ये अलग ही लेवल की चीज़ मिली है भाई मेरे को, ये गाइस इतना शानदार हॉर्न लगा ना, जिस भी भाई ने ये रिकॉर्ड किया यार हैट्स ऑफ है भाई। तो गाइस चलो थोड़ा सा यार यहाँ पे कैमरा एंगल चेंज करते हैं और पीछे वाले कोच पे आके देखते हैं। ये आपकी दानापुर से सिकंदराबाद के लिए जो ट्रेन जा रही है, हमारी साउथ से आ रही है और ये ट्रेन साउथ की तरफ जा रही है। वैसे आपको यहाँ से इटारसी जंक्शन से बहुत सारी ट्रेन ऐसी मिल जाएंगी जो कि साउथ की तरफ जाती हैं, और मेरा भी जल्द ही साउथ का ट्रिप शायद होने वाला है, तो देख के आएंगे कि कैसा रह सकता है यार। बट खैर उसकी बात बाद में, आज की वीडियो में पूरी हमसफ़र की मैं बात करने वाला हूँ अपनी, जो कि रामेश्वरम से अजमेर के लिए चलती है। यार मैंने ये वीडियो पहले भी बनाई थी क्या, शायद मैंने बनाई थी, मुझे ध्यान में नहीं है यार, यहाँ पर मुझे स्पीड थोड़ी ज़्यादा लग रही है।
और ये ICF ट्रेन को हम थोड़ा ज्यादा ही पीछे कर रहे हैं। कौन सी थी? ज्ञान गंगा एक्सप्रेस। क्या बात है यार, यहाँ पे हमारे BGP के कोचेस चल रहे हैं और साइड में हमारे BRW प्रोडक्शन के ICF कोचेस हैं, और फ्यूचर में तो भाई अपने ब्रॉडगेज प्रोडक्शन के कोचेस लगने वाले हैं। ओए होए होए, कसम से भाई मज़ा आ जाएगा। एंड गाइस, अभी यार मैंने ये सेक्शन इस वजह से चुना, मैंने सोचा यार एक तो इतना लेट हो रहा हूँ वीडियो बनाने में, ऊपर से अगर मेरी एक एक्टिविटी बनी पड़ी है तो मैं एक काम करता हूँ, अब वीडियो उसी पे बना देता हूँ। अगर मैं नई एक्टिविटी बनाने जाऊँगा तो उसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाएगा, और अभी अगर बेटर फील कर रहा हूँ तो यार अभी शुरुआत कर लो, क्योंकि कल किसने देखा है। एंड गाइस ये देखो यार, पता है जब हमारी रियल लाइफ में ट्रेन इटारसी जंक्शन से निकलती है और दिल्ली की तरफ जा रही होती है, तो यहाँ पर आउटर में इतना प्यारा कर्व मिलता है ना यार। चलो पैसेंजर व्यू पे चलते हैं। एक तो गाइस ये यार जनरेटर कार का जो व्यू होता है ना, पैसेंजर व्यू, ये थोड़ा ऊपर नीचे हो रखा होता है, इसको यार ठीक करने की नीड है। गाइस यार अंदर से ट्रैवल करोगे पैसेंजर के पॉइंट ऑफ व्यू से या बाहर डोर पे चले? एक तो यार अपने इंडियन रेलवेज में इतनी मतलब एडवांस चीज़ें हो रखी है ना, आप सोचो जो किंग है हमारे इंडियन रेलवेज की, मुंबई राजधानी एक्सप्रेस, उसमें अब तेजस राजधानी, आपको पता ही होगा तेजस ट्रेक जो है लग चुकी है, तो उसमें अब डोर्स ही ओपन नहीं होते हैं। तो ये जो यहाँ पे हम जाके व्यू लेते थे ना, ये तो भाई मिलेगा ही नहीं। वैसे मन अब तो ज़्यादा ही स्लो हो रहा है क्या भाई? हाँ यार 10 की लिमिट है, 10 पे जा रहा है, क्या लिमिट पे है वो? पर नहीं भाई इतना भी स्लो नहीं होना, स्पीड बढ़ानी है पूरे कर्व पे। अभी मैं आपको ट्रेन दिखाता हूँ और थोड़ा सा हॉर्न और बजा देते हैं। भाई ये अलग ही लेवल है यार, ये मतलब ऐसा हॉर्न है ना जिसको तुम बोल सकते हो लिटरली क्यूट साउंड कर रहा है। ये जहाँ तक है श्रिल हुआ, मुझे यार ध्यान में नहीं है, आपको बताना पड़ेगा। ऐसे इतने टाइम बाद मैं वीडियो बनाता हूँ ना, तो मेरे को थोड़ा हो जाता है नॉलेज में, पीछे हो जाता हूँ, और जैसे ही मतलब मैं टाइम टू टाइम बनाते रहता हूँ उतना नॉलेज ऊपर से बढ़ती जाती है, ऑलरेडी जो होती है वो वापस आ जाती है। एंड ये आप देख पा रहे होंगे कुछ ही टाइम बाद हमें 120 की लिमिट मिलने वाली है, तो समझ जाओ भाई Web7 इस ट्रेन के साथ क्या करने वाला है भाई, चलाने वाला है अच्छी स्पीड पे। एंड गाइस रूट अपना खानदेश रूट है यार, इसका ना अभी शायद लेटेस्ट अपडेट आया था वलसाड का। वलसाड आपको पता होगा वेस्टर्न रेलवे में आता है, क्या मैं सही हूँ ना? हाँ जहाँ तक है मैं सही हूँ। तो गाइस हमारा दूसरा एक वेस्टर्न रेलवे का अपडेट आने वाला है, मतलब आने के वाला है, ऑलरेडी आ चुका है, तो यार उस पर भी मैं जल्द ही ट्रैवल करने वाला हूँ। मेरे माइंड में यार गरीब रथ एक्सप्रेस की जर्नी करने का बहुत था, तो मैं जल्दी गरीब रथ एक्सप्रेस की जर्नी दिखाऊंगा आप सभी को। बांद्रा टर्मिनस से जो दिल्ली सराय रोहिला के लिए जाती है उसमें हम जल्दी ट्रैवल करेंगे, और भाई यहाँ पे 120 की लिमिट मिल चुकी है, तो Web7 चल भाई 50% थ्रॉटल पावर लगाओ। एंड गाइस यहाँ से यार कौन से कोच पे हूँ मैं? अब यार जब कर्व पे जाएगी ना अपनी ट्रेन तब पता चलेगा मेरे को। एंड एक काम करते हैं, अपनी ट्रेन ड्राइविंग इन्फो को ऑन कर लेते हैं, इससे गाइस मुझे सारी बेसिक चीज़ों का पता रहेगा कि मेरे पेंटोग्राफ अप है या नहीं है, और हमारा सर्किट ब्रेकर का क्या हाल है, हमारे FPS का क्या हाल है, और हमारे डोर्स ओपन। अच्छा डोर्स तो अपने Web7 के ऑन है यार, सॉरी ऑन कह रहा हूँ, ओपन है, उसको बंद कर लेंगे। खैर यार चलती ट्रेन में कौन ही चढ़ेगा, अनलेस कोई मार्वल का कैरेक्टर यहाँ पे आ जाए तो कुछ हो सकता है। ओए भाई तो 100 के ऊपर पहुँच तो सही, जो मैंने इस हॉर्न को नॉन स्टॉप नहीं बजाया ना। एक तो आज की वीडियो में थोड़ा सा कम बात करना पड़ेगा, विद टाइम, क्योंकि मेरे को भोपाल तक अगर इस जर्नी को कवर करना है ना, तो मेरे को थोड़ा कम बोलना पड़ेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे कुछ भाई लोग का एडवांटेज हो जाएगा, कुछ का डिसएडवांटेज हो जाएगा। एक तो यार मुझे समझ नहीं आता, कुछ कहते हैं ज़्यादा बोलो, कुछ कहते हैं कम बोलो, सबसे बढ़िया बैलेंस करके चलो। गजब भाई, हमारा आई गेस कोच यार सेकेंड या थर्ड है, और हमारा भोपाल जंक्शन जो है 106 किलोमीटर की जर्नी, 106 यार, मैंने दुरंतो एक्सप्रेस में कितना डिस्टेंस कवर किया था गाइज, उसमें भी हमने शायद इतना ही आसपास कवर किया था, शायद 100 किलोमीटर के, शायद यार मुझे ध्यान में नहीं है, 70-80 हो सकता है मे बी। चलो यार आज की वीडियो में तो 100 किलोमीटर मैंने ना कवर किया ना, तब बताना। एंड गाइज ये आप देख पा रहे होंगे हमारी जो ऑपोजिट लाइन का ट्रैक है उसका सिग्नल यहाँ पे भाई येलो दिख रहा है, तो मे बी कोई ट्रेन आ सकती है यार। ये येलो वाला एक बार के लिए स्कैम हो सकता है, बट ग्रीन वाला श्योर होता है कि हाँ कोई ट्रेन आ ही रही है एक्चुअली में। और गाइज अभी मुझे भाई सबसे पहली चीज़ ये बताओ, ट्रैक साउंड आ रही है आज की वीडियो में, और LHB की ट्रैक साउंड। ऐसे कैसे यार दुरंतो एक्सप्रेस में ना एक्चुअली में जो वॉल्यूम थी वो थोड़ी ज़्यादा लो थी, अपने प्रतीक भाई ने उसको मेंटेन करने के लिए कुछ ज़्यादा लो रखी थी, बट मेरा जिस हिसाब का भाई गेम पे रहता है मेरे को थोड़ी ज़्यादा वॉल्यूम रखनी पड़ती है। भाई आज तो जो मज़ा आने वाला है ना गेम प्ले में,
तो गाइस यहाँ पे आप थ्रॉटल पावर इंक्रीज करते हैं। अपने लोको पायलट जो कि मैं हूँ वो भी सोच रहा होगा यार 50% थ्रॉटल पावर पे मैं क्यों चला रहा हूँ तब से अपनी दुरंतो एक्सप्रेस, सॉरी हम सफर एक्सप्रेस। गाइस देखो काफ़ी टाइम बाद वीडियो बना रहा, तो ये छोटी छोटी गलतियाँ हो सकती है, इनको इग्नोर कर लेना यार। अपना ट्रैफिक ट्रेन कब आने वाली है, काफ़ी टाइम हो गया यार कोई क्रॉसिंग नहीं हुई। ओहो लो सामने ही आ गई WDM 3D BCNA लोडेड। अच्छा कोई मालगाड़ी आ रही है गाइस, और यहाँ पर ये WDM 3D है। ओ भाई डबल WDM 3D गजब, आज के टाइम में देखने मिल गए उतना ही काफ़ी है। वैप 7 भाई नॉन स्टॉप हॉकिंग चाहिए श्रिल। बस भाई इतनी काफ़ी है ऐसे गाइस, जब इस तरह ट्रेन लाइक क्रॉस कर रही है ना तो समटाइम्स जो लोग होते हैं वो वेट कर रहे होते हैं कब ट्रेन क्रॉस करेगी और हम उसे क्रॉस कर सकते हैं ट्रैक को, बट उन लोग को ये नहीं पता होता कि ऑपोजिट लाइन पे कोई ट्रेन आ सकती है और हाई स्पीड पे भी हो सकती है। तो उसके लिए यहाँ पे हॉकिंग थोड़ा इम्पॉर्टेंट होता है ताकि लोगों को थोड़ा ना मतलब क्या हो जाए वो सतर्क हो जाए। एक तो यार इसकी इंग्लिश मेरे माइंड में अभी आ नहीं रही, मतलब उनको पता चल जाए, मैं थोड़े से वर्ड्स आजकल भूल जाता हूँ। तो और बताओ यार क्या चल रहा है तुम्हारी लाइफ में, एक तो मेरा ईयर स्टार्ट ही इतना लेट हुआ है, बट एनीवेज गाइस अपनी स्पीड देखो ज़रा, अभी एक काम करते हैं अपने लोको में चलते हैं। अरे गजब क्या शानदार लग रहा है यार। सबसे बढ़िया चीज़ ये है गाइस कि हमारी जो ये लाइट्स हैं वेब 7 की ये डांस नहीं कर रही हैं, ऐसा हमारा जो ओपन रेल्स है वो स्टेबल वर्जन है, तो ये अच्छी बात है। अपने मोनो गेम में ना यार इनका थोड़ा सा रहता है, ये डांस करने लगते हैं। ये गाइस आप देख पा रहे हो गए यहाँ पे लाइट फ्रेट लोको, कोई WDG 4G खड़ा था। अरे क्या बात है, ऑपोजिट लाइन का जो सिग्नल था गाइस वो आई थिंक रेड था और एकदम से अप्रोच हो गया, और ये तो भाई ग्रीन हो रखा है। आ गई कोई ना कोई ट्रेन आ ही चुकी है। वैप 7 किसी हाई कैपेसिटी पार्सल वैन रेक के साथ है यहाँ पे, और ये स्टेशन कौन सा है, स्टेशन का तो पता ही नहीं चला, देखते हैं गाइस। पावर खेड़ा, ये कैसा नाम हुआ यार, इस खेड़ा की पावर कुछ ज़्यादा ही अच्छी है क्या, पता नहीं गाइस, पर ये पावर खेड़ा करके कोई स्टेशन है। यहाँ पे हम इसको क्रॉस कर रहे हैं और यहाँ पे ये HCPV रेक किसी वैप 7 के साथ लूप लाइन पे खड़ी थी, आई मीन प्लेटफॉर्म लाइन पे, और मेन लाइन का भाई सिग्नल यहाँ पे दे दिया गया है। और वैप 7 जो भाई चला रहा है अपनी ट्रेन को, तुम लोगों को ट्रैक साउंड आ रही होगी जो हो रही है गजब। ये वाली ट्रैक साउंड गाइस मैंने ही रिकॉर्ड करी थी, मैं जब दुरंतो एक्सप्रेस में ट्रैवल कर रहा था मुंबई से दिल्ली के लिए, उसमें मैंने ट्रैवल करी थी, और भाई जो ट्रैक साउंड आ रही थी यार 130 पे गजब। ऐसे गाइस अपनी अभी जो करंट स्पीड है वो आप देख पा रहे होगे 130 ही है, एंड यार एक चीज़ ना तुम लोग नोटिस कर पा रहे होगे, रियल लाइफ का गाइस ये सेक्शन थोड़ा सा डिफरेंट है और हमारे गेम प्ले का थोड़ा सा पुराना है। मतलब अभी मैं बताता हूँ यहाँ पे यार क्रॉसिंग हो रही है, इसको देख लेते पहले। 2086 AP एक्सप्रेस, आंध्र प्रदेश एक्सप्रेस, जी हाँ जहाँ तक मुझे पता है ये आंध्र प्रदेश एक्सप्रेस है। और भाई देख रहे हो क्या शानदार लग रही है, ओ भाई 132 यहाँ थोड़ी ज़्यादा हो रही है यार स्पीड। वैप 7 भाई थोड़ा कंट्रोल कर यार, इतना भी ज़्यादा आउट ऑफ लिमिट नहीं जाना है। मैंने माना कि आज की वीडियो में थोड़ा सा चम के दिखाना है, एक्सपीरियंस गेम प्ले का अच्छे से देना है, बट इतना ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल भी नहीं जाना है। एंड गाइस अभी आप लोग देख पा रहे होंगे हमारा जो है यहाँ पे पूरी ट्रेन कर्व पे जा रही है, और भाई सोचो 120 की यहाँ पे रफ्तार दे रखी है कर्व पर, LHB ट्रेन 120 के ऊपर, क्या बात है यार। बस उस टाइम पे आपके पास डोर व्यू होना चाहिए या फिर इमरजेंसी विंडो सीट होनी चाहिए, वो यार ग्रिल से थोड़ा सा मतलब ठीक से नहीं हो पाता, देख नहीं पाते। तो गाइस मैं कहाँ था, हाँ यार एक्चुअली गाइस क्या है ना, ये जो सेक्शन है हमारे महाजन जी जो कि इस रूट के क्रिएटर हैं, उन्होंने जब ये बनाया होगा तो उस टाइम पे ये डबल लाइन सी हुआ करती थी, जहाँ तक मुझे पता है उस टाइम पे यहाँ पे डबल लाइन हुआ करती होंगी। बट अभी क्या है थोड़ा सा लाइक इंडियन रेलवेज में बहुत सारा जैसा आपको पता है डे बाय डे बहुत सारा चेंजेस होता जा रहा है, तो यार यहाँ पे थर्ड लाइन भी मुझे लगता है बट इस गेम में अभी वो नहीं है, तो फ्यूचर में अपने महाजन जी इसको अपडेट करेंगे तो ये सेक्शन थोड़ा सा और नया हो जाएगा। बट मैंने यार एक्चुअली पता है जब ये एक्टिविटी बनाई थी तब मैंने सोचा यार इटारसी से भोपाल मैंने बहुत टाइम से ट्रैवल नहीं किया है, तो चलो वो करते हैं कवर। तो जैसे कि अभी आप देख पा रहे हो हमारी आज का सफ़र इटारसी से भोपाल शुरू हो चुका है, और देखते हैं अभी कौन सी ट्रेन हमें क्रॉस कर सकती है, अपने लोको पे चल के देखें क्या। तो बस यहाँ पर एक और करवा चुका है, और ओपन रेल्स की तरफ से हमें टेक्स्ट आ रहा है
यू आर ट्रैवलिंग टू फास्ट फॉर दिस कर्व, स्लो डाउन। भाई ओपन रेल्स टेंशन मत ले यार, इतने साल हो चुके हैं मुझे ट्रेन चलाते चलाते, किसी पैसेंजर को कुछ नहीं होने दूंगा मैं, अच्छे से लेके जाऊंगा ट्रेन को। अरे अभी तो यार राइट साइड को जा रही थी हमारी ट्रेन, अब लेफ्ट साइड को जा रही है, क्या बात है। थोड़ा सा यहाँ पे व्यू चेंज करें। ओ भाई क्या लेके जा रहे हैं यार अपनी ट्रेन को वेब सेवन। ओए होए होए, आज की तो गाइस जो ट्रैक साउंड है, और आप देख पा रहे होगे अपनी सीनरी भी थोड़ी बहुत ठीक ठाक है, ये नहीं है कि यार कुछ भी नहीं है। बट अभी का जो गाइस करंट मैंने आपको दिखाया था, अपने महाजन जी जिस तरह से इस रोड को बना रहे हैं उसके कंपैरिजन में कहीं ना कहीं थोड़ा सा पीछे हो सकता है। बट कोई बात नहीं, फ्यूचर में जैसा मैंने आपको बताया ये सेक्शन जो है अपडेट हो जाएगा, तो उस टाइम पर ये थोड़ा और अच्छा दिखेगा। भाई क्या ट्रैक साउंड आ रही है, कसम से कह रहा हूँ ये ट्रैक साउंड सुन के ना अगर मैं शांत हो जाऊँ तो तुमको नींद आ सकती है। एंड गाइस राइट नाउ हम होशंगाबाद स्टेशन को यहाँ पे क्रॉस कर रहे हैं, बहुत ही अलग लेवल की स्पीड पे भाई। भाई वेब सेवन, ओ भाई यहाँ एक ट्रेन लूप लाइन में खड़ी है, ये कौन सी ट्रेन थी यार, 11463। ये सोमनाथ है क्या, जहाँ तक मुझे लग रहा है गाइस सोमनाथ से जबलपुर के लिए जाने वाली एक्सप्रेस ट्रेन यहाँ पे होशंगाबाद के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे अपना स्टॉप ले रही है। और भाई ये देखो 12137 पंजाब मेल, जो कि इटारसी से हमसे पहले निकली थी, यहाँ पर होशंगाबाद पे लूप करा दी गई है। ओ भाई ओ गजब जो ट्रैक साउंड आ रहा है। और अपने वेब सेवन ने भाई जो अपनी हमसफर एक्सप्रेस के साथ यहाँ पे ओवरटेक किया ना इस ट्रेन को, मज़ा आ गया यार, बताओ देख के मज़ा आया इस सीन को। अरे यार ये, ओ भाई ये क्या था, 12622 तमिलनाडु एक्सप्रेस। गाइस ये बहुत ही अलग लेवल गाड़ी है भाई, तमिलनाडु एक्सप्रेस। इसका यार अपना पार्ट 2 अभी भी मुझे पता है पेंडिंग है, जल्दी लेके आएंगे। और यहाँ पे थोड़ी सी यार स्पीड स्लो कर लेते हैं पहले तो। और भाई वेब सेवन थोड़ा सा यार यहाँ पे हॉर्न बजाता रहे। एंड गाइस यहाँ पे यार थोड़ा सा ना मैं स्लो कर लेता हूँ ट्रेन को, ऐसा आपको दिख रहा होगा हमारे ट्रैक मॉनिटर में जो स्पीड हमको दिखाई जा रही है वो 45 आने वाली है, मुझे नहीं पता आगे क्या सीन है। तो यहाँ पे अपनी ट्रेन को पहले मैं स्लो कर लेता हूँ, देखते हैं क्या है। एक तो यार यहाँ पे कर्व इतना हैवी है, मे बी इसकी वजह से हो सकता है, बट यार कर्व तो पीछे भी इतना ज़्यादा था, वहाँ पे इतनी ज़्यादा स्पीड दे रखी थी, मतलब स्पीड क्या दे रखी थी, 120 दे रखी थी मैक्सिमम परमिटेबल स्पीड। तो गाइस 45 है यार, 50 मेंटेन कर लें क्या, इतना तो चलेगा यार, थोड़ा डिस्काउंट मिल ही जाता है अपने को। यार मैं पूरा डोर के अंदर घुस गया ओपन रेल्स, थोड़ा सा बाहर निकाल यार। गाइस यहाँ पे कोई ब्रिज आ रहा है यार, उसी वजह से यहाँ पे जो है 45 की लिमिट दी गई है, और उससे पहले इतना ज़्यादा कर्व भी था तो यहाँ पे थोड़ा सा यार। ओ भाई क्या सीन है, देखो तो ये व्यू कितना प्यारा लग रहा है ना, अब भी बताओ यार ब्रिज साउंड आ रही है, ट्रैक साउंड इतनी प्यारी है। और वेब सेवन का श्रिल हॉर्न बजा दो क्या, ओए होए होए गजब, क्या सीन है यार। गाइस मुझे लग रहा है MSTS में जितनी भी आज तक हमने वीडियोस बनाई है ना उसका सबसे ब्यूटीफुल सीन ये लग रहा होगा, मतलब आज तक का, अभी तक का। भले ही ये थोड़ा सेक्शन ओल्ड हो और उस ओल्ड वाले में ही ये चीज़ मिल रही है अपने को, तो सोचो अपडेट जब आ जाएगा ओ भाई क्या मिलने वाला है। अभी यार बस कोई ICF ट्रेन यहाँ से मुझे क्रॉस करके चली जाती ना, वो अलग लेवल वाला सीन हो जाता। मैंने कहा था यार यहाँ से हम 50 की स्पीड से निकल जाएंगे, बट यहाँ पे मेरी ट्रेन ऑलमोस्ट 45 आ चुकी है। लेकिन पीछे यार आपको कुछ अलग साउंड आई थी, जैसे ऐसे लगा हो कि कोई नॉर्मली आपकी ट्रेन रात के टाइम पे अगर आप कहीं भी देखो कहीं रुक जाती है बहुत ही आउटर एरिया में जहाँ जंगल वाला सीन हो, तो रात को जो लाइक एम्बियंट साउंड जो आती है वैसी कुछ साउंड आई थी यार पीछे मेरे को ब्रिज पे। ये थोड़ा अलग ही लेवल का रियलिज्म हो गया था, मुझे नहीं पता अगर आपको आई हो तो आप बताना ज़रूर कमेंट सेक्शन में। वेब सेवन भाई तो उस पे कर पे थोड़ा यहाँ पे हॉर्न बजा दे। एंड गाइस आज की वीडियो में ना एक चीज़ और है यार, घाट सेक्शन आएगा
बट मैं एक काम करूँगा गाइस, घाट सेक्शन में जितनी भी क्रॉसिंग्स होंगी ना, मैं आपको वो दिखाने की कोशिश करूँगा। अच्छा यार, घाट सेक्शन अभी थोड़ा सा पुराना वाला है ना, और मुझे जहाँ तक पता है मैंने आपको वो दिखा रखा है। एंड जैसे कि यार मैंने तुम लोगों को बोला कि मेरे को इस वीडियो को इटारसी से पूरा भोपाल तक कवर करना है, तो मेरे को यार थोड़ा थोड़ा पार्ट ना यहाँ पे कट करना ही पड़ेगा। ऐसा अगर मैं यार इस वीडियो को एक डेढ़ घंटे से ऊपर लेके जाता हूँ तो मेरे लिए भी कहीं ना कहीं डिफ़िकल्ट हो जाएगा इस वीडियो को अपलोड करना, और एक तो यार फिर एडिटिंग में ही बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। वैसे अभी एक चीज़ सुनी तुम लोगों ने, अपनी पूरी ट्रेन जब कर्व पे थी, क्या ट्रैक साउंड हो रही थी यार, स्क्रीच वाली। और यार वेब 7 120 की स्पीड लिमिट मिल गई यार, तब से हम इतनी स्लो स्पीड पे जा रहे हैं, स्पीड बढ़ाओ यार। एंड देखते हैं गाइस अब कौन सी ट्रेन की क्रॉसिंग हो सकती है। गाइस चलो यहाँ पे एक्सेलरेशन शो दिखाया जाए। चल भाई वेब 7 100% लगा दे, 55 की स्पीड से तूने खींचना शुरू किया, 100 की थ्रॉटल पावर पे देखते हैं क्या यहाँ पे लाइक रिजल्ट रहते हैं अपने। वैसे गाइस अभी अगर मैं ऑटो पायलट ऑन करूँ ना, तो कुछ अलग लेवल वाला ही भाई सीन हो जाएगा। एज गाइस यार ऑटो पायलट पे इस गेम में हम ट्रेन को लगाते हैं ना, पता नहीं कौन से अलग ही लेवल की हॉर्स पावर मिल जाती है इस गेम को नहीं सॉरी अपने लोगों को। गाइस यहाँ पे यार थोड़ा सा सीनरी कम है तो इसको इग्नोर करना, जैसा मैंने आपको बताया ये थोड़ा पुराना सेक्शन है, जब अपडेट हो जाएगा तो यहाँ पे आपको सीनरी देखने मिल जाएगी। एंड गाइस राइट नाउ हमारी ट्रेन बुधनी स्टेशन क्रॉस कर रही है, और यहाँ पे किसी मालगाड़ी को हम ओवरटेक कर रहे हैं। और यार आगे ना हमारी स्पीड लिमिट गाइस कम होती है। एक्चुअली क्या है, बुधनी से आपका जो घाट सेक्शन है वो शुरू हो जाता है जब आप दिल्ली की साइड जा रहे होते हो। और यहाँ पे यार किसी मालगाड़ी को ओवरटेक कर रहे हैं तो थोड़ी हॉन्क कर देते हैं यहाँ पे, क्या फ़ायदा फिर भाई वो शिकायत करे यार ये ट्रेन यहाँ से गई बट उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। और क्या बात है यार, देख रहे हो इस मालगाड़ी में WDG 6G लगा है, WDG है ना। हाँ यार, एक तो यार इतने टाइम बाद वीडियो बनाओ ना, तो इस चीज़ को भी तुम क्वेश्चन करने लगते हो। तो गाइस जैसा मैंने यार आपको बताया था कि यहाँ पे मैं थोड़ा सा पार्ट को अब ट्रिम कर दूंगा, तो यहाँ से हमारा जो है घाट सेक्शन शुरू हो जाता है। ये मैं आपको ज़्यादा नहीं दिखाऊंगा, कोशिश करूंगा कि जितनी भी क्रॉसिंग्स होती रहे मैं वो सब आपको दिखाता रहूं, और कहीं पर कुछ कुछ ब्यूटीफुल सीन्स आते हैं तो मैं आपको वो भी दिखा सकता हूं। एक तो यार एक्चुअली गाइस यहाँ पे ना यार देखो घाट सेक्शन है, अब घाट में यार 100 120 पे तो हम जा नहीं सकते। आप नॉर्मली अपनी गाड़ी भी अगर लेके जाते हो, कार वगैरह बाइक वगैरह, तो उसको भी स्लो स्पीड पे लेके जाते हो, तो वही सीन आपकी ट्रेन्स का भी है। एज यहाँ पे भी कभी ट्रेन ऊपर की साइड जा रही है और कभी कहीं बहुत ज़्यादा कर्व आ रहा है, तो भाई वहाँ पे थोड़ा देखना पड़ता है, स्पीड वहाँ स्लो रहती है। रियल लाइफ में भी आपकी जो ट्रेन है जब आपके इस बुधनी घाट से जाती होगी, जहाँ तक मुझे पता है इस घाट को बुधनी घाट कहा जाता है, तो उसकी भी स्पीड जो है कम रहती है। और भाई वेब 7 हॉन्क करता रहे, क्या बात है यार, व्यू देख रहे हो क्या शानदार मिला है। ये देखो ये जा रहा है इम्पोस्टर। वैसे गाइस लास्ट में भी एक इम्पोस्टर है ये अपने पेंट्री कार, और ये अपना स्लीपर कोच। गाइस नीचे देखो यार, ट्रैक दिख रही है। अब सोचो जब अपने गेम में ये सीन इतना ब्यूटीफुल है, तो रियल लाइफ में जब यहाँ से ट्रेन जाती होंगी तो कितना प्यारा व्यू मिलता होगा। ओए होए होए गजब यार, यहाँ पे तो अपने नेचर का ना एक अलग ही व्यू दिखाया अपने रमेश महाजन जी ने। घाट सेक्शन गाइस कितना ब्यूटीफुल लग रहा है यार, अभी तक का मुझे लग रहा है सबसे प्यारा घाट सेक्शन जो है हमारा यही रहेगा। आपका जो कसारा से इगतपुरी, एक तो गाइस मुंबई साइड के यार स्टेशन के नेम्स ना इतने कंफ्यूजिंग होते हैं, मैं क्या बताऊं। कसारा से आपका इगतपुरी जो हमारे रमेश महाजन जी लेके आए थे वेस्टर्न रेलवे का, सॉरी वो सेंट्रल रेलवे का, वो कितना प्यारा लग रहा था। बट फिर भी जो पुराना अपडेट का अपना बुधनी घाट है ना भाई, जिस हिसाब से यहाँ पे सीनरी लगी है, जिस हिसाब का आपको वेजिटेशन देखने मिलता है, उस लेवल की भाई वहाँ मुझे देखने नहीं मिल पाई। बट एनीवेज फ्यूचर में जो है इम्प्रूवमेंट्स आती रहेंगी अपने रूट की, तो आप बताना ज़रूर अगर आपने इस गेम में इस रूट में यहाँ अगर ट्रैवल किया है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है। तो चलो यार यहाँ पे थोड़ा सा कैमरा एंगल चेंज करते रहते हैं, वरना भाई कहेंगे यार एक कैमरा एंगल पे आपने पूरी एक डेढ़ घंटे की वीडियो चलाई है, तो वो भी अच्छा नहीं है। वैसे एक चीज़ देख रहे हो,
बाकियों की ट्रेन जर्नी में नॉर्मली प्लेयर कह रहा हूँ, मतलब कोई भी क्रिएटर कैसे ट्रैवल करते हैं, ट्रेन के अंदर बैठकर। और अपनी वीडियो में देखो, हम उड़ के भी कर सकते हैं, हम चाहें तो लोको पायलट बन सकते हैं। तुम थ्रॉटल पावर पे देखो भाई, थ्रॉटल पावर का हैंडल देखो। मैंने ऑटो पायलट पे ट्रेन रखी है तो इसका क्या हाल बना रखा है ऑटो पायलट ने, देख रहे हो भाई को अलग ही दौरा पड़ रहा है, ये गजब ही सीन है यार। अच्छा गाइस, यहाँ पे हम किसी मालगाड़ी को भी ओवरटेक करके जा रहे हैं, मतलब क्या बात है यार, प्रायोरिटी देख रहे हो अपनी। घाट सेक्शन में हमारी ट्रेन है और घाट सेक्शन में भी मान नहीं रही है हम सफर एक्सप्रेस, ओवरटेक करके जा रही है। मिड घाट पे फ्रेट लूप। गाइस आगे से कोई और ट्रेन भी आ रही है, देखते हैं कौन सी ट्रेन है। गाइस कोई वैक 7 किसी PCNHL रेक के साथ, भाई मालगाड़ी लेके जा रहे हैं यार सोचो, और वो भी घाट सेक्शन से, इसको तो डबल लुको देनी चाहिए यार। आवाज़ सुनो यार, मालगाड़ी क्या दमदार कर रही है, और व्यू देखो कितना प्यारा हो रहा है अपना। एक तो वेदर इतना क्लियर है, शानदार है, क्या बात है यार, लाइक आप व्यू देखो। गाइस सीरियसली यार, कसारा इगतपुरी में ना मेरे को ये व्यू कहीं नहीं मिल पाया जो आपको इसमें मिला है। कसारा इगतपुरी पे आपको वो व्यू सबसे प्यारा लगा होगा जब इगतपुरी के आउटर पे हम किसी ब्रिज को क्रॉस कर रहे होते हैं, वो भी कसारा से आते वक्त। और यहाँ पे यार हमारी ट्रेन किसी टनल के अंदर जा चुकी है, तो यहाँ पे थोड़ा हॉर्न करते रहते हैं यार। गाइस बताओ यार, आज की अपनी जर्नी का ये जो हॉर्न है, ये प्यारा लग रहा है या नहीं लग रहा है, ये अलग ही लेवल की चीज़ है आज। तो फाइनली यार अपनी ट्रेन टनल से बाहर आ चुकी है। एक तो यार जब अपनी ट्रेन टनल के अंदर होती है ना, तो एक अलग ही वो सीन होता है। बट एनीवेज आज के टाइम में तो इंडियन रेलवेज हर टनल में जो है एक ट्यूबलाइट्स लगाता है, एक नहीं बहुत सारी लगाता है, जिससे अगर आपकी ट्रेन में जो कोचेज़ हैं उनकी अगर लाइट्स ऑन नहीं भी है, तो फिर भी थोड़ी तो नहीं बहुत ज़्यादा रोशनी की वजह से आपके कोच में जो है अंधेरा नहीं रहेगा। ऐसे अगर आपकी ट्रेन में अंधेरा रहता है तो यहाँ पे भाई किसी चोर वगैरह को थोड़ा एडवांटेज मिल जाता होगा। पहले के टाइम में भाई सोचो यार, घाट सेक्शन है और यहाँ से इतनी मतलब 20-22 की स्पीड से अपनी ट्रेन जा रही है, और कितना शांत होगा यहाँ पे, और उस शांति के बीच इस ट्रेन की ट्रैक साउंड कितनी प्यारी लग रही है, क्या बात है यार। एक बात तो आएगा, जब आपकी ट्रेन घाट सेक्शन से ट्रैवल कर रही होती है ना, तो यार एक सेकंड पे ऐसे ऐसे व्यू मिलते हैं ना, फिर चाहे वो गेम हो या फिर रियल लाइफ हो। सो गाइस अपना भोपाल जंक्शन जो है अब ऑलमोस्ट 60 किलोमीटर बाकी है। ओ भाई यहाँ पे ट्रेन आ गया यार, वैग 9 किसी मालगाड़ी के साथ। वैग 7 भाई हॉर्न बजाते रहो। हाँ यार ट्रैफिक अच्छा मिल रहा है अपने को। क्या बात है यार, ट्रैक साउंड कितनी शानदार करी है मालगाड़ी ने। गाइस यार अब ऑटो पायलट से चाहूँ तो मैं ट्रेन हटा सकता हूँ, चलो हटा ही लेते हैं यार। गाइस ऑटो पायलट की यार अब नीड नहीं है, हमारा जो घाट सेक्शन है वो ऑलमोस्ट ऑफ फिनिश हो ही चुका है। जैसे आप देख पा रहे होगे ट्रैक मॉनिटर में हमारी स्पीड जो है अभी दी गई है 75, और कुछ टाइम बाद वो 80 से 85 हो जाएगी, और उसके बाद थोड़ी दूरी पर ही मैक्सिमम परमिटेबल स्पीड हमारी ट्रेन को दे दी जाएगी। ऐसे यार घाट सेक्शन में ना कभी मेरे को ब्रेक लगाने पड़ते, और फिर कभी स्पीड को रिड्यूस कर रहा हूँ कभी बढ़ा रहा हूँ, तो यार उसमें मेहनत ज़्यादा हो जाती, और वो पार्ट मैंने ज़्यादा कवर किया नहीं है, तो मैंने सोचा यार वहाँ पे ऑटो पायलट ही यूज़ कर लेता हूँ। बट एनीवेज यार अभी सीन देखो कितना शानदार हो रहा है भाई, क्या बात है यार, ये सीन गाइस आपको करंट उसमें मिल ही नहीं सकता सीनरी में, ये तो है। बस दिक्कत यार यहाँ पे आ जाएगी जब अपने महाजन जी इस सेक्शन को अपडेट करेंगे ना फ्यूचर में, जैसे आपको पता है थर्ड लाइन यहाँ पे है, तो उसको लगाते वक्त यार बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी यहाँ पे अच्छी वाली, क्योंकि आप देखो यहाँ से ये जो लैंड है वो थोड़ी नीचे हो रखी है, तो उसको ऊपर उठा के यहाँ पे जैसे नॉर्मली रियल लाइफ में किया जाता है कितनी मेहनत लगती है, मतलब साल लग जाता है यार किसी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में। तो वही सीन हमारा महाजन जी का होने वाला है, महीने तो लगने वाले हैं अच्छे से। तो बस यहाँ पे कोई वैग 4 किसी ट्रेन के साथ अप्रोच कर रहा है, देखते कौन सी है यार।
तो गाइस कोई हाई कैपेसिटी पार्सल वैन कोचेस फिर से यार यहाँ पे ये HCBB रेक आ चुकी है, किसी वैपोर के साथ जा रहा है HRC की तरफ। एक तो करंट टाइम यार इसकी भी थोड़ी जो फ्रिक्वेंसी है ना वो बढ़ा दी गई है। ऑल राइट गाइस, तो 4 किलोमीटर के बाद भाई ऑलमोस्ट 120 किलोमीटर मिलने वाली है। फाइनली इस ट्रेन को और ज़्यादा स्पीड पर ले जाने का टाइम आ गया और अभी हमारी ट्रेन जो है गाइस वो बरखेड़ा स्टेशन को क्रॉस कर रही है और यहाँ पे हम किसी मालगाड़ी को भी ओवरटेक कर रहे हैं। ये आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर ये लूप लाइन में खड़ी है। यार वैप 7 में तेरे पास में आऊँ तो तभी हॉर्न बजा रहे यार। तो गाइस मालगाड़ी पे कोई हेल्को लगा यार। वैसे गाइस शेड कौन सी थी यार ये नहीं देख पाया, जहाँ तक मैं अंदाज़ा लगा रहा हूँ काजीपेट। और राइट नाउ हमारी ट्रेन क्या शानदार कर्व पे है, 80 की लिमिट यहाँ पे मुझे दी गई है बट मैं थोड़ा उससे ऊपर जा रहा हूँ, हो जाएगा यार इतना चलता है। बस तुम किसी को बताना मत कि मैं यहाँ पे ओवर स्पीडिंग कर रहा हूँ, जब तक बात अपने बीच है वो ठीक है। क्या बात है यार गाइस, अगर ये हॉर्न यार पसंद आ गया ना और अगर तुमको चाहिए होगा तो बता देना कमेंट सेक्शन में, मैं इसको अपलोड कर दूंगा। यार 85 के लिमिट पे 101 ये थोड़ा ज़्यादा हो रहा है भाई। चलो थ्रॉटल पावर को रिड्यूस कर देते हैं, पूरा ज़ीरो कर देते हैं। और अपने ट्रैक मॉनिटर ने भी भाई हाथ खड़े कर दिए कि भाई अब थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। मैं अप्रोच तक तो ठीक था, मतलब येलो कलर था वो ठीक था, बट ये रेड जहाँ हो रहा है वो थोड़ा ज़्यादा हो चुका है, तो तुम यहाँ पर अपनी स्पीड को स्लो कर लो। बट कोई बात नहीं गाइस, ट्रैक पूरा अपना स्ट्रेट है, इतनी कोई यहाँ पे डरने की बात नहीं है, तो हम जा सकते हैं अच्छी स्पीड पे। और हमारा जो भोपाल जंक्शन है वो 50 किलोमीटर बाकी है, I mean 51 है, 1 किलोमीटर छोड़ो यार, राउंड फिगर बना दो 50। और जो टाइम अभी गाइस हो रहा है वो 9:26 हो रहा है। क्या लगता है कब तक इसको कवर कर सकते हैं? और हमको गाइस जो टाइमिंग दी गई है भोपाल जंक्शन के अराइवल की वो 10:02 की दी गई है। मेरे पास कितना टाइम है, आधा घंटा ये मान लो, 4 मिनट इधर के मान लो, 34 तो यही हो गया और उसका 2 36, 36 मिनट में 50 किलोमीटर। अब यार देखो अगर स्पीड अच्छी रही, कहीं पे स्टॉप नहीं रहा तो मैं कवर कर सकता हूँ। और भाई वैप 7 फुल स्पीड पे चले यार, अब ट्रेन की मैक्सिमम परमिटेबल स्पीड पे, अपनी फुल स्पीड पे नहीं भाई, फिर एक्चुअली में पैसेंजर सीधे उधर उड़ जाएंगे। गाइस स्लीपर कोच पर रहकर ट्रैवल करें क्या यार? यार दिक्कत ये है ना, अगर मैं स्लीपर कोच पे आ गया तो गाइस मेरे जो लोगों की हॉर्न साउंड्स है ना वो थोड़ी कम हो जाएंगी। 12719 जयपुर से हैदराबाद के लिए सुपर फास्ट एक्सप्रेस, क्या बात है यार, डुअल एल्को, अपनी ट्रेन में भी एल्को होना चाहिए था यार, मस्त चगिंग करते हुए जाते फिर। यार क्रॉसिंग किया भाई, वैप 7 स्ट्रे लॉन्ग गच्चा नॉन स्टॉप। और अभी तो गाइस जो स्पीड है अपनी, थोड़ा सा यहाँ पर वाइड एंगल कर लेते हैं यार। तो गाइस 120 की लिमिट है, ट्रेन 120 के ऊपर जा रही है, थॉट्स पावर को अब मेंटेन करेंगे यार। कितना कर सकते हैं, 30 कर देते हैं या 35 रख देते हैं। हमारी जो प्रोजेक्टेड स्पीड दिखाएगा वो अगर 120 के अराउंड रहती है या 120 से 125 के अराउंड रहती है तो मैं सेफ साइड हूँ, मेरी ट्रेन जो है वो अच्छी स्पीड पर जा सकती है 125 तक। वैसे गाइस चल के देखेंगे यार स्लीपर कोच पर, चलो ट्राई कर लेते हैं। यार व्यू थोड़ा ऐसा रखें, अपने इधर का रखें या क्या करें, एक काम करता हूँ गाइस पहले EOG पे चलते हैं और फिर आगे वाले कोच पे स्विच कर देते हैं, ये व्यू थोड़ा बेटर हो जाएगा। अब यहाँ रुक जाते हैं, क्या बात है यार व्यू देखो भाई। अब तो गाइस जहाँ तक मुझे लग रहा है भोपाल तक अपना नॉन स्टॉप रन है यार, और इसी तरह 125 पे जाएगी अपनी ट्रेन। भाई क्या प्यारी लग रही है ट्रेन, अभी कर्व पे है देखो, अगर किसी बड़ी स्क्रीन पे देख रहे हो ना तुम लोग, ओहो क्या बात है। और गाइस अगर वॉल्यूम हम लोगों ने हाई कर रखी है तो एक बार के लिए वो श्रेल जो हॉर्न है ना वो भी अच्छे से सुनाई दे पा रहा होगा। यार 122 जा रही है स्पीड, चलो थ्रॉटल पावर को 40 रख देते हैं। सो गाइस राइट नाउ जो हमारी ट्रेन है वो उबैदुल्लागंज स्टेशन को क्रॉस करने वाली है भाई घातक स्पीड पर। और यहाँ पे कोई मालगाड़ी है क्या यार? जी हाँ कोई मालगाड़ी यहाँ पे लूप लाइन पे खड़ी है। भाई आज की तो जर्नी का पूछो ही मत,
आज का बताओ यार, रियलिज्म लेवल मतलब कौन सा है? ये वाला व्यू यार कुछ अलग ही लग रहा है और इतना रियलिस्टिक लग रहा है। बस गाइस थोड़ा सा जो शेकीनेस होती है ना, वो रेलवर्क्स जैसी होती तो वो भाई मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाता। गाइस 12628 KK, ओ भाई क्या क्रॉसिंग है यार। टेरिफिक भाई, टेरिफिक। भाई ये क्या है यार, ओपन रेल्स ऐसे हार्ट अटैक मत दे यार। ये गाइस देख रहे हो यार क्या सीन दिया है ओपन रेल्स ने, मतलब इतनी खतरनाक स्पीड पे क्रॉसिंग हो रही है ट्रेन्स की, और उधर वो ब्रिज पे भी दिखा दिया। गाइस देख रहे हो लेफ्ट हैंड साइड पे कितनी प्यारी सीनरी लग रखी है, मतलब आप देखो जो खेत हैं कितने प्यारे हैं। ये सीनरी यार कहीं ना कहीं लैग कर रही है अपने वेस्टर्न रेलवे में, बट मैंने महाजन जी से बात करी थी तो उन्होंने बताया था कि इधर की साइड की सीनरी में ना आपको ज़्यादातर खेत नहीं दिखेंगे। सो गाइस राइट नाउ हमारी ट्रेन कोई, ओ भाई ये तो मेन लाइन का स्टॉप है यार, एटाया कलां करके कोई स्टेशन है, एटाया कलान होगा जहाँ तक है, देखते हैं यार। इटावा कला ये है क्या? नहीं यार एटाया लिखा है ऊपर। खैर छोड़ो जो भी है, सोचो यार मेन लाइन पे स्टॉप है और मेन लाइन का स्पीड देख रहे हो 120, जहाँ तक रियल लाइफ में 130 होगी, यहाँ पे रेल फैनिंग पे तो ओ हो हो। सो गाइस अपना भोपाल जंक्शन 31 किलोमीटर बाकी है, बट खैर 31 छोड़ो, 30 हो चुका है ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट क्या पूरा 30 ही है यार। और अपना टाइमिंग कितना बाकी है, 20:04:06 कितना हुआ, 26 मिनट। 30 किलोमीटर डिस्टेंस और 26 मिनट टाइम हो जाएगा यार, बहुत आराम से हो जाएगा अगर इसी स्पीड से जाती रही अपनी ट्रेन। भाई 120 की लिमिट है, अगर मैं 125 कर रहा हूँ तो क्या मूड ऑफ समझाए क्या? नहीं, स्पीड से प्यार है। हमने सोचा पुष्पा के इतने सारे मीम्स चल रहे हैं, हम थोड़े बहुत हम भी बना लेते हैं। ऐसा ये हरकत आपने देखी होगी सोशल मीडिया पे, मतलब फास्ट ड्राइविंग करके दिखाते हैं, फास्ट भी क्या छपरी वाली ड्राइविंग, अच्छे से बोलते हैं छपरी वाली ड्राइविंग करके दिखाते हैं कुछ लोग, और फिर उसमें क्या लिखते हैं कैप्शन में, मूड ऑफ। भाई मूड ऑफ के चक्कर में ना किसी दिन लाइफ ऑफ हो जानी है जो इस तरह से ये तुम लोग ड्राइव करते हो। क्या बात है यार, आज की वीडियो में थोड़ी बहुत मतलब क्या था मोटिवेशनल स्पीच भी देने लगे। कोई बात नहीं गाइस, टाइम टू टाइम आता रहता है ये सब भी। एक तो गाइस ये ठंड कम होने का नाम नहीं ले रही यार, सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या है, ठंड के टाइम में वीडियो बनाने पे यार पैर ठंडे हो जाते हैं। ओ भाई वो सब छोड़ो यार, अपनी जो स्पीड रह रही है ना भाई, जिस स्पीड पर मेरी ट्रेन जा रही है, मेरा मन ही नहीं कर रहा किसी और चीज़ की मैं बात करूँ। और यहाँ आप देख सकते हो किसी मंडी दीप स्टेशन को हम क्रॉस करें, यहाँ पे क्या बात है यार, अपनी आर्मी ट्रेन यहाँ पे लूप लाइन पे खड़ी है, इसको तो सल्यूट बनता है यार। जितने भाई देख रहे हो सल्यूट करो यार, मजाक करो कर भी सकते हो, बाई हार्ट क्या बात है। मतलब आप देखो आर्मी की किसी भी चीज़ को देखोगे ना, देखने पे तो बढ़िया लगती है, ट्रेन भी ट्रेन, ट्रेन का भी एक अलग ही ऑरा है अपना, मतलब ये बड़े बड़े टैंक, ये बड़ी बड़ी उनकी वो मतलब व्हीकल्स। तो गाइस यहाँ पे कोई मालगाड़ी किसी WDG 4G के साथ यहाँ पे ये हमें क्रॉस कर रही है। अच्छा तभी थोड़ा टाइम लग गया यार क्रॉसिंग अपनी आने में, ऐसा आप देख सकते हो कितनी लंबी मालगाड़ी है यार, और WDG 4G अकेला खींच रहा है। खैर ये तो यार अपने लाइक लेटेस्ट लोकोमोटिव्स हैं तो इनकी पावर भी ठीक ठाक है, खींच लेते हैं यार बड़ी से बड़ी मालगाड़ी को। एक तो यार इन लोकोमोटिव्स की वजह से अपने एल्को गायब हो चुके हैं, अब मैं क्या करूं, हर वीडियो में एल्को की बात भी नहीं कर सकते, कभी ना कभी तो उनको भी छोड़ना ही पड़ेगा यार, उन्होंने अपना टाइम स्पेंड कर लिया। क्या बात है यार, यहाँ पे कितना प्यारा व्यू है। ओ भाई 130 की रफ्तार पे ऐसे व्यू पे, खतरनाक यार। बस ये देखो राइट साइड पे अभी सीनरी देखो, मतलब आप एक्चुअली में कह सकते हो कि किसी शहर के आसपास से अपनी ट्रेन जा रही है। गुरु ऐसी सीनरी वर्क चाहिए यार, आगे वाले जो अपडेट आ रहे हैं कहीं ना कहीं ये चीज़ मिसिंग लग रही है। मतलब अभी पीछे वाला जो आप व्यू देखते ना भाई, कसम से ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी एक्चुअली शहर के आसपास से जा रहा हूँ, अपनी ट्रेन में बैठ कर ट्रैवल कर रहा हूँ। एक तो स्पीड जो थी ना दमदार, ऑलमोस्ट 130, अभी तो 126 आ चुकी है। ऐसे यार कभी अपनी ट्रेन ग्रेडियंट पे ऊपर चढ़ रही है और कभी नीचे उतर रही है, तो कहीं ना कहीं वो भी यार स्पीड पे अफेक्ट करता है। तो अपना भोपाल जंक्शन का 30 किलोमीटर बाकी है और टाइम अब क्या बचा मेरे पे, 19:22 नहीं यार 21 सॉरी। तो गाइस देख लो अब डिस्टेंस कम है और टाइम ज़्यादा है, क्या बोलते हो,
बिफोर टाइम पहुंचेंगे भोपाल जंक्शन। देखो गाइस, आज की यार मैं अपनी ट्रेन की एक चीज बात करना भूल ही गया। देखो अपने जो बोर्ड्स हैं वो भी अजमेर से रामेश्वरम जाने वाली ट्रेन के ही हैं, हम सफ़र एक्सप्रेस। मतलब ये नहीं कि कोई स्कैम कर रहा है भाई, बोल के किसी और ट्रेन को और चलवा रहा है किसी और ट्रेन में, ऐसा नहीं हो रहा। अभी आप देख रहे हो लेफ्ट साइड में जो सीनरी है ये कितनी प्यारी लग रही है। मतलब ये जो कलर्स दे रहा है ना वो अलग ही निखर के आ रहे हैं। ये चीज़ यार वेस्टर्न रेलवे की सीनरी में कहीं ना कहीं मेरे को डल सा लगता है, वो कलर्स नहीं निखरते यार। बट इस सीनरी में देखो आप, जब सनलाइट इस पर पड़ रही है सीनरी पर, गजब यार ये लुक चाहिए अपने को। मतलब अभी आप देख सकते हो शुगर केन फील्ड्स हैं, बस यही चीज़ अपनी आने वाली सीनरी में अगर महाजन जी इसको टेक्सचर को थोड़ा और इम्प्रूव कर दें, इसके जो रिजोल्यूशन है कहीं ना कहीं ये डाउन पे होगा। अगर ये जैसे आप मानो 1080p रिजोल्यूशन से कम पे है, तो अगर इसको 2K या फिर 4K में दिखाया जाए और अच्छे से मतलब रेंडर किया जाए कि ये हमारा FPS डाउन ना करे, तो सोचो क्या ही शानदार लुक मिलेगा यार रूट का। तो गाइस आ गए यार कोई और, मुझे लग रहा है ट्रेन आ रही है, यहाँ पे हॉर्न बजाते हैं, इसको क्रॉस करते हैं। तो गाइस ये कोई मालगाड़ी बैक 12 के साथ, ओ भाई क्या ट्रैक साउंड कर रही है, ओ भाई स्पीड देखो यार, मेरी स्पीड ज़्यादा है इसलिए ऐसे लग रही है, क्या ये क्या था भाई, ये मालगाड़ी थी क्या था? या तो गाइस ऐसा हो सकता है इसके वैगन इतने छोटे होते हैं तो मुझे ऐसा लग रहा हो कि वो बहुत ज़्यादा स्पीड पे है, बट अब देखना यार वो कुछ अलग ही चीज़ लग रही थी यार। सो गाइस राइट नाउ हमारी जो ट्रेन है वो मिसरौद स्टेशन को क्रॉस कर रही है, मिसरौद ही है ना यार, जी हाँ जहाँ तक मिसरौद ही है, यहाँ मिसरौद हो सकता है, सॉरी अगर मैं इसको गलत स्पेल कर रहा हूँ। अरे यार वैब से मैंने फिर स्पीड बढ़ा यार, ये तो पूरी 100 रख ले यार, ऐसा 120 के नीचे आ जाती है यार अपनी ट्रेन। और ये भाई यहाँ पे अपना ग्रीन सिग्नल दे रहे हैं कि जाओ आपका पूरा रूट क्लियर है। मतलब जब से सोचो घाट सेक्शन से निकले हैं अपनी कहीं भी स्पीड कम नहीं हुई है। हम सफ़र एक्सप्रेस की मतलब जो अपनी साल की पहली वीडियो लगी है उस पर भाई जो स्पीड लिमिट मिल रही है ना मेरे को, मतलब स्पीड तो नहीं प्रायोरिटी, गजब लेवल। और अभी व्यू देखो यार, बड़ी स्क्रीन पर देखना है यार इस वीडियो को। और राइट साइड में जो सीनरी है, बस यहाँ पे थोड़े ट्रैक के बीच में जो खाली चीज़ है ना, इस चीज़ को अगर अपने महाजन जी भर देते, ओ हो गजब गुरु, आज का अपना जो लेके चल रहे हो ना अपडेट लेटेस्ट वाला, उस चीज़ को भी फेल कर देते फिर। तो अगर आप सुन रहे हो तो यार इस चीज़ को थोड़ा सा भर देना, क्योंकि ये ट्रैक के बीच में ये जो खाली रहता है ना सीनरी, ये थोड़ा कहीं ना कहीं यार लग जाता है अपने को। गाइस वो सब ठीक है, यहाँ पर ये क्या हो रहा है, ट्रेन को यहाँ पे स्लो किया जाए, ओपन रेल्स, पूरी थ्रॉटल पावर को ज़ीरो करो। और गाइस मुझे नहीं पता यार ये क्या हो रहा है, यहाँ पर थोड़ा सा ना एक काम करते हैं आगे चलते हैं, और अभी मैं दूसरे कोच में हूँ जहाँ तक मुझे लग रहा है। चलो यार दूर व्यू पे चलते हैं और इस चीज़ को इग्नोर करना, डोंट ट्राई दिस एट होम। गाइस यार सीन ये हुआ क्या है ये मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं काम करता हूँ थ्रॉटल पावर को 5% लगा देता हूँ कि मेरी ट्रेन पूरी यार स्टॉप पे भी ना आ जाए। गाइस भोपाल जंक्शन का हमारा जो डिस्टेंस है वो 10 किलोमीटर बाकी है, और भोपाल से पहले मुझे कहीं पे यार ये लूप लाइन पे डलवाया जा रहा है। एज आप देख सकते हो ट्रैक मॉनिटर में मेरे जो सिग्नल्स हैं वो हरे नहीं हैं, वो येलो हो रखे हैं। और भोपाल अगर 10 किलोमीटर दूर है तो ट्रैक मॉनिटर पे तो ये 4 किलोमीटर के आसपास ही मेरा ट्रैक स्विच हो रहा है, तो ये भोपाल स्टेशन तो है नहीं। देखते हैं गाइस क्या सीन है, अभी तो यार ट्रेन को थोड़ा मेंटेन करना पड़ेगा यहाँ पे स्पीड। यार हम सफ़र थोड़ी ज़्यादा ही स्लो हो रही हो यार, तुम यहाँ पे स्पीड बढ़ाओ वरना तो आउटर पे ही स्टॉप लग जाएगा अपना। मुझे लग रहा है गाइस वेब 7 का ना यहाँ पे तेल ख़त्म हो चुका है भाई। 12533 पुष्पक एक्सप्रेस, किसी का इस वैब 7 के साथ हमारी पुष्पक एक्सप्रेस जो कि जहाँ तक मुझे पता मुंबई की तरफ जाती है, ये हमें यहाँ पे क्रॉस कर रही है। और हाँ मैं क्या कह रहा था, वैब 7 का तेल, ओ भाई क्या देख रहे हो यार क्या स्पीड पे जा रही है वो, डराता हुआ जा रहा भाई उसका यूजी। मतलब सोचो मैं यार इतनी ज़्यादा थ्रॉटल पावर लगा रखी है, बट मेरा वैब 7 को थोड़ा यहाँ पे लोड लग रहा है इसको ट्रेन को खींचने पे, यहाँ पे ग्रेडियंट है ना यार शायद उस वजह से। और सोचो यार मतलब जब से इटारसी से निकले थे क्या स्पीड मेंटेन कर रहा था भाई, मतलब 120 से नीचे नहीं लाया जहाँ भी हमारा मैक्सिमम परमिटेबल स्पीड थी। बट फाइनली यार यहाँ आके पता नहीं क्या हो गया, मतलब ओपन रेंज तेरे को मेरी खुशी देखी नहीं जाती क्या भाई, मैं
ऑलमोस्ट ऑन टाइम छोड़ो बिफोर टाइम पहुंच जाता पहली बार किसी स्टेशन पे, और यहाँ पर कहीं लूप लाइन पे डलवा दिया गया। चलो गाइस देखते हैं यार। और ट्रेन को मैंने थोड़ा पहले ही स्लो कर दिया था। सोचो यार, ये जितने भी ट्रैक के आसपास घर हैं, इसमें जो लोग भी रहते होंगे उनका कितना सही है। जब उठो विंडो से बाहर जाओ, अच्छा खासा व्यू है, ट्रेन जा रही है, क्या सीन था यहाँ पे। आपने देखा वो वेजिटेशन कितना प्यारा लग रहा था। ऑलमोस्ट अपनी ट्रेन को टच करने वाला था भाई, वो छोड़ो अपना राइट साइड पर देखो, ये कोई ब्रिज जो आ रहा है, मतलब शहर में एक्चुअली में जैसे ब्रिज होते हैं ना, ये तो मेरे को गाज़ियाबाद या नई दिल्ली के आसपास की फील दे रहा है यार। मतलब आपने देखा होगा जब भी ट्रेन आनंद विहार वगैरह से निकलती है तो ऐसा ही कुछ सीन रहते हैं उधर, ऐसे बड़े बड़े हाईवेज के ब्रिज रहते हैं, या मुझे नहीं पता शहरों के भी रह सकते हैं हाईवे के क्या। अभी तो यार अपना ट्रैक स्विच होने वाला है तो देखते हैं क्या सीन है। अच्छा गाइस, भोपाल से पहले यार स्टेशन भी तो पड़ता है, एक मेन स्टेशन है, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा, और वो अब प्राइवेटाइज हो चुका है। मतलब आप देखो ये जितने भी लाइक स्टेशन होते हैं हमारे इंडियन रेलवेज में, वो गवर्नमेंट के अंदर में आते हैं। बट ये जहाँ तक है इंडियन रेलवेज का पहला ऐसा रेलवे स्टेशन था जिसको प्राइवेट कर दिया गया। एंड एक चीज़ और, जी हाँ, जैसे कि आपको दिख रहा होगा गाइस, हमारे जो आगे ओपन रेल्स मेरे को बता रहा है कि हमारा जो स्टेशन आया है वो हबीबगंज रेलवे स्टेशन आके है, और मुझे वहाँ पे लूप कर दिया गया है। यार यहाँ पे मेरी ट्रेन का हॉल्ट तो है नहीं, तो ये लूप क्यों किया गया यार, ये यार समझ के बाहर है। बट यहाँ पे ट्रेन कुछ ज़्यादा स्लो हो गई है, जहाँ मैं 30-35 पे ट्रैक स्विच करता हूँ वहाँ 15 पे जा रहा हूँ। लोग कह रहे होंगे भाई साल की पहली वीडियो में इतना इंप्रूवमेंट, नहीं गाइस टेंशन ना लो यार, यहाँ पे स्पीड बढ़ाते हैं, थोड़ा सा अच्छी स्पीड पर एंट्री लेते हैं। मतलब अपनी हमसफ़र एक्सप्रेस है जहाँ 120 की लिमिट है, वहाँ 130 चल रही थी, तो अगर किसी स्टेशन पर एंट्री ले रही है तो दमदार एंट्री कैसे ना दें, लाइक अ बॉस तो एंट्री मारेंगे भाई, ये वाला हॉर्न बजा के। ओह गच्चा। तो गाइस अपना हबीबगंज रेलवे स्टेशन, पहले इसका नाम हबीबगंज होता था, बट अभी के टाइम पे इसको जो है इसका नाम बदल के रख दिया गया था रानी कमलापति। अब वो क्यों था क्या था इसमें हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, वरना ये मतलब एंटरटेनमेंट की वीडियो छोड़ के थोड़ा पॉलिटिक्स की उसमें चली जाएगी, तो इसको हम साइड में कर देते हैं, मतलब नाम को उसके। बट स्टेशन काफ़ी अच्छा है और इसको अभी पूरा रीमॉडल किया गया था जहाँ तक मुझे याद है। अच्छा ट्रैफिक देख रहे हो यहाँ पे, ये देखो लेफ्ट साइड पे क्या ट्रैफिक लगा पड़ा है, यहाँ पे कितने सारे वैप फोर हैं, और वैप सेवन यार यहाँ पे थोड़ी सी अब पावर तो स्लो कर सकता है, ऑफ कर सकता है, स्पीड थोड़ी मेंटेन हो गई है, तो एंट्री ले लेंगे हम ट्रेन में कह रहा हूँ प्लेटफॉर्म पे। तो गाइस हबीबगंज रेलवे स्टेशन पे हमारी रामेश्वरम से अजमेर जाने वाली हमसफर एक्सप्रेस का अराइवल हो चुका है, बट मेरा यहाँ पे स्टॉप नहीं है, अनशेड्यूल हॉल्ट दे रहे हैं भाई, क्या बात है यार, अनाउंसमेंट कितनी प्यारी हो रही है। गाइस थ्रॉटल पावर 0 है ना, जी हाँ, और हमारी ट्रेन गाइस मेन लाइन से भी हट चुकी है, तो चलो थोड़ा सा सिग्नल के पास पहुँचो, फिर ब्रेक लगाते हैं यार, और देखते हैं सीन क्या है, क्यों यहाँ पे हॉल्ट दिया गया है, अपना क्रियू चेंज है या फिर कोई ओवरटेक है। जहाँ तक मुझे लग रहा है गाइस ओवरटेक हो सकता है, तो चलो भाई वो सिग्नल वगैरह पास आ रहा है, ब्रेक लगा लेते हैं। क्या बात है यार, क्या साउंड हो रही है अपनी ब्रेक की। चल भाई वैप सेवन रोक दिया ट्रेन को। सो गाइस यार जब से इटारसी जंक्शन से निकले हैं, क्या रन रहा था यार हमारी ट्रेन का, और अभी सोचो 7 किलोमीटर ऑलमोस्ट मेरा भोपाल जंक्शन बाकी है, भोपाल पे पहुंचने वाला था कि उससे पहले यार अपना रानी कमलापति जो स्टेशन पड़ता है। बट खैर अभी तो आप देख पा रहे होगे हमारे जो रमेश महाजन जी का ये रूट है उसमें ये हबीबगंज ही दिखाया गया है, ये आने वाले टाइम पे अपडेट हो जाएगा, तो इसको आप थोड़ा इग्नोर करना, ये अपना ओल्ड वर्जन है। तो अगर किसी भाई को हबीबगंज से मतलब जो यहाँ पर रहते हो अगर वो वीडियो देख रहे हैं उससे ज़्यादा ही लगाव होगा, तो लो तुम्हारी मैंने यादें ताज़ा कर दी। बट वो सब तो ठीक है, बट मेरा क्या है यहाँ पे, मेरी ट्रेन को यहाँ पे लूप क्यों करवाया गया है, वो तो मुझे पता चले अच्छा खासा बिफोर टाइम पहुँचते हैं हम भोपाल पे। तो बस ये आप देख पा रहे हो यार अपने हबीबगंज स्टेशन पे मैं वेट कर रहा था, और ये ऑपोजिट लाइन की ट्रैक पर ये कोई WWDG 4D किसी PTPN ट्रेन के साथ हैं, मतलब टैंकर ट्रेन के साथ हैं, इसमें जैसा आपको पता होगा पेट्रोल वगैरह जाता रहता है जिसमें, या फिर ऑयल भी जाता होगा मुझे नहीं पता यार, बहुत सारे वैगन्स होते हैं जिनका अलग अलग मतलब यूज़ किया जाता है, किसी में मिल्क जाता है तो किसी में फ्यूल जाता है। बट ये अपना हबीबगंज रेलवे स्टेशन क्रॉस कर रहा है, बताओ यार यहाँ पे हम यार ये हॉर्न की साउंड कहाँ से आ रही है। ओ भाई ये देखो गाइस
मतलब देख रहे हो पीछे से ये ट्रेन आई है 12137 पंजाब मेल, जिसको हमने कहाँ पे ओवरटेक किया था। चलो ये तुम्हारा होमवर्क है, मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ कि इस पंजाब मेल को हमने कौन से रेलवे स्टेशन पे ओवरटेक किया था। बट सोचो यार क्या रन लेके आई होगी, मतलब यहाँ पे लूप लाइन पे लगे हैं, मतलब इसका भी 120-130 रहा होगा भाई, मतलब इसका जो लोको पायलट होगा वो भी दौड़ा रहा होगा भाई अच्छे से। इनका जहाँ तक मुझे पता है पंजाब मेल का हबीबगंज पे जहाँ तक स्टॉप रहता है, तो ये तो भाई अपना स्टॉप ले रही है, इसका तो शेड्यूल हॉल्ट बनता है। यार अगर इसको यहाँ पे लूप पे डलवाया जा रहा है तो मुझे यहाँ पे ये हॉल्ट क्यों दिया गया है? अगर ये मेरे पीछे थी तो ये तो मेन लाइन से जाएगी नहीं यार, अगर इसका हॉल्ट है। पता नहीं गाइस क्या सीन है यार, यहाँ से मालगाड़ी को निकलवाया जा रहा है, पंजाब मेल को यहाँ से निकलवाया जा रहा है। यार मैं ही मिला था ओपन रेल्स ट्रॉलिंग के लिए भी, आज के दिन तो बख्श देता यार। पर क्या बात यार, देखो पंजाब मेल क्या शानदार लग रही है गाइस। यार इस स्टेशन पे अपने सिग्नल का वेट करते करते इतनी ट्रेन्स आ रही हैं जा रही हैं, ये देखो तुलसी एक्सप्रेस, और नंबर क्या है मैं नंबर दिखा देता हूँ आपको, 22130 तुलसी एक्सप्रेस भोपाल की तरफ से आ रही है भाई। इसको लोको कौन सा मिला है, सोचो वैक 7 दे रहा भाई। और इस ट्रेन की जहाँ तक है स्पीड मैक्सिमम रहेगी 120, क्योंकि जैसा आपको पता है ये सेक्शन की स्पीड क्या है, और वैक 7 मिला है तो ये कितना कर सकता है मैक्स टू मैक्स, 105-110 या शायद कर भी सकता है यार 120, मुझे नहीं पता गाइस उसकी मैक्सिमम स्पीड क्या है, ये भी आप बता सकते हो वैक 7 की मैक्सिमम स्पीड क्या होती है। गाइस मैंने यार इसके बारे में रीड किया होगा बट मेरे को पता नहीं है, बट वो सब चीज़ें साइड में रखो भाई, मुझे ये बताओ मुझे सिग्नल क्यों नहीं मिल रहा है, क्या हो रहा है ये। गाइस हबीबगंज रेलवे स्टेशन पे इतनी गंदी चीज़ हो चुकी है ना भाई हमारी ट्रेन के साथ, मतलब आप खुद देखो साक्षात यहाँ पे इतनी गंदी ट्रॉलिंग हो रही है, ट्रेन्स आ रही हैं जा रही हैं और मुझे अभी तक सिग्नल नहीं मिलता, यहाँ पे क्यों रुकवाया गया यार। एंड गाइस ये आप देख पा रहे होंगे ये तुलसी एक्सप्रेस जिस लाइन पे आई है ऑपोजिट लाइन पे, उधर की जो मेन लाइन है उसका सिग्नल यहाँ पे ग्रीन हो चुका है, तो डेफिनेटली इसका ओवरटेक लगने वाला है यहाँ पे। देखते हैं इसको कौन सी ट्रेन ओवरटेक करने वाली है, अपना तो यार अभी भी मेन लाइन का भी रेड है, अपना प्लेटफॉर्म लाइन का रेड है भाई, ये क्या करने की सोच रहा है ओपन रेल्स भाई, तू पंजाब मेल को आगे तो नहीं निकालेगा मेरे। कुछ टाइम में गाइस जहाँ तक मुझे लग रहा है इसका शेड्यूल जो स्टॉप रहेगा वो पूरा हो जाएगा, तो ये इसको आगे तो नहीं कर देगा कि भोपाल पे पहले जाएगी तो पंजाब मेल ही, क्योंकि इटारसी से निकली पहले वही थी। नहीं यार गाइस आगे देखो यार, सिग्नल हमारा मेन लाइन का ग्रीन हो चुका है, और भाई यूजी साउंड जो आ रही है, जो अपने यहाँ 3 यूजी हैं क्या, अच्छा नहीं उस ट्रेन का पंजाब मेल का तो पीछे है, अपनी तुलसी एक्सप्रेस का और मेरी हमसफर का साउंड कर रहा है अच्छे से। तो गाइस यहाँ पे अपना सिग्नल मेन लाइन का ग्रीन हो चुका है, देखते हैं कौन सी ट्रेन आ रही है, और सोचो यार मतलब क्या ट्रेन होगी, क्योंकि हमारी हमसफर आगे चल रही है, मेरे पीछे पंजाब मेल चल रही है, उसके पीछे जो ट्रेन चल रही है उसको प्रायोरिटी दी गई है मेरे ऊपर, सोचो कौन सी ट्रेन है यार। और यहाँ पे यार मैं 10:02 से पहले पहुँचने वाला था अपने शेड्यूल से बिफोर टाइम, यहाँ 10:12 हो गया है भाई, लेट कर दिया यार ओपन रेल्स ने अच्छा खासा। गाइस यार कोई ट्रेन तो आती हुई दिख रही है, आपको दिख रही है क्या? तो चलो यार अपने लोको के व्यू पे रहते हैं, यहाँ से एंजॉय करेंगे अपना ओवरटेक। और पहले तो यार ट्रेन देखता हूँ मैं कौन सी है, ये कौन सी ट्रेन आ रही है यार, 12707, क्या बात है यार। सो गाइस आंध्र प्रदेश संपर्क क्रांति एक्सप्रेस हमारी ट्रेन को जो है हबीबगंज रेलवे स्टेशन पे ओवरटेक कर रही है। APS के क्या करती हो यार, मतलब इतना टाइम लगा दिया आने में। तो गाइस यहाँ पर संपर्क क्रांति ने हमें ओवरटेक किया, आंध्र प्रदेश संपर्क क्रांति ने, ये ट्रेन भी गाइस अच्छी है, इसका रन भी काफी अच्छा है, बट यार हम सफर को ओवरटेक करवा दिया, चलो ठीक ठाक ही है यार। वैसे गाइस एक चीज सोचो यार, यहाँ पे अगर मेरा ओवरटेक हो चुका है, APS के तो यहाँ से जा चुकी है, अब होप करता हूँ कि मेरे पीछे और कोई ट्रेन ना हो हाई प्रायोरिटी वाली, मेरे से भी ऊपर वाली, कभी पता चला यार कोई साउथ से कोई राजधानी आ रही हो और उसको निकाल दें यहाँ से, होप करते हैं ऐसा ना हो। बट एक चीज़ देखो, अगर यहाँ पे पंजाब मेल अपने लेफ्ट में खड़ी है तो इसको भी भोपाल जाना है और मुझे भी भोपाल की तरफ जाना है, ये तो यार यहाँ पे फिर क्लैश कर दिया इन लोगों ने। अब यहाँ पे ये देखना पड़ेगा सिग्नल किसको दिया जाएगा। ओ भाई इधर की भी ट्रेन आ गई यार, 12626 केरला एक्सप्रेस, क्या बात है। ICF की जब ये हुआ करती थी ये भी बहुत अच्छी गाड़ी थी। ओ भाई देख रहे हो वैब 7 क्या लेके जा रहे यार, उसकी वाइनिंग सुन रहे थे। तो गाइस केरला एक्सप्रेस ने यहाँ पे तुलसी एक्सप्रेस को ओवरटेक कर दिया है,
और हम अभी भी अपने सिग्नल का वेट कर रहे हैं, बट खैर अभी वो गई है APS के, तो सिग्नल मिलने में थोड़ा टाइम लगेगा यार, 2 मिनट मान के चलते हैं। 2 मिनट में तो अगर ट्रेन काफ़ी अच्छी स्पीड से जा रही है, अगर नॉर्मली 70-80 भी चल रही है तो वो डिस्टेंस क्लियर कर ही देती है थोड़ा बहुत। तो बताओ यार, हबीबगंज पर ये ट्रॉलिंग सभी को कैसी लगी? गाइस, इस एक्टिविटी में मैंने एक्चुअली में ही दी थी कि आपका जो ओपन रेल्स है वो आपको हबीबगंज रेलवे स्टेशन पर रुकवाएगा ही रुकवाएगा। और आप तो छोड़ो, ये तुलसी एक्सप्रेस का देखो, यहाँ पर आई है 2 ट्रेन से ओवरटेक खाएगी भाई। इसका मेन लाइन का सिग्नल देखो एक बार, अभी कौन सी गई है, केरला एक्सप्रेस गई है और अभी इसको अप्रोच कर दिया गया है, मतलब ऑलरेडी इसके पीछे एक और ट्रेन है जो इसको ओवरटेक करने वाली है। वैसे गाइस एक चीज़ सुन रहे हो अपने हबीबगंज रेलवे स्टेशन की, ओके ठीक है भाई, रानी कमलापति रेलवे स्टेशन की अनाउंसमेंट भी कितनी सही है, काफ़ी अच्छी लग रही है। और एक तो अपने जो महाजन जी हैं उन्होंने एक तरह से रियलिस्टिक टाइप भी लगाई है, मतलब कभी कभी बीच में ही ऑफ हो जाती है वो साउंड, जैसे जैसे आपने देखा होगा रेलवे स्टेशन पर अगर आप जाते हो तो बीच बीच में जो अनाउंसमेंट चल रही हो कभी कभी वो बीच में ऐसे ही बंद हो जाती है, बीच में बोलते हुए वक्त ही पूरा अपना अनाउंसमेंट ही पूरा नहीं होता उसका। गाइस यार सिग्नल क्यों नहीं मिल रहा यार अभी तक, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है यार कि पंजाब मेल यहाँ पे कुछ कर देगी भाई सीन, ऐसा यार होना तो नहीं चाहिए, क्योंकि गाइस हमसफर एक्सप्रेस बहुत टाइम पहले आई है यार, बिफोर टाइम चल रही थी अच्छी खासी। पंजाब मेल और हमसफर एक्सप्रेस के रिश्ते में आई दरार, सिग्नल को लेकर हुई लड़ाई, बट खैर एक्चुअली में ये सच भी है, यहाँ पे सिग्नल नहीं मिल रहा है दोनों ट्रेन्स को। और गाइस अपने को तो यार ऑलमोस्ट आधा घंटा होने वाला है या फिर हो चुका है शायद, क्योंकि मैंने 10:50 के अराउंड यहाँ पे एंट्री मारी थी और टाइम देखो 10:20 हो रहा है, आधा घंटा हो गया यार अपना। एंड गाइस ऑपोजिट लाइन का जो ट्रैक है उसका तो भाई सिग्नल ग्रेन हो चुका है यहाँ पे पूरा, अनाउंसमेंट वाली दीदी वो सब तो ठीक है उसको छोड़ो, और मेरा बताओ मेरा यहाँ पे मैं क्या करूँ, मुझे सिग्नल नहीं दे रहे हैं, तोड़ के चला जाऊँ? आप संभाल लोगे तो बोलो, अगर आप संभाल लेते हो तो मैं ट्रेन लेके चला जाऊँगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट गाइस ऐसा कर नहीं सकते यार, स्विच मिलेगा ही नहीं, ट्रैक स्विच क्या पता कहाँ लगाओ, पता चला जाना हो मुझे भोपाल और पहुँच गया मैं हबीबगंज रेलवे स्टेशन के यार्ड में। गाइस नहीं यार, नहीं यार ऐसा क्यों हुआ यार, यार ऐसा क्यों करते हैं ये लोग, मतलब ओपन रेल्स, मतलब बताओ यार हमसफर मेरे इससे पहले आ रखी है, प्रायोरिटी इतनी सही चल रही है, बिफोर टाइम भोपाल पे पहुंच जाती, और ये देखो पंजाब मेल मेरे बाद आई थी और उसको तब भी सिग्नल मिल गया ओपन रेल्स ने, क्या यार ये क्या हरकत थी भाई, मतलब बताओ यार ये अच्छी बात नहीं है यार, ओपन रेल्स साल की पहली वीडियो थी ये और इसमें भी ट्रॉलिंग कर रहा था और वो भी इतनी गंदी, आधा घंटा यहाँ पे वेट कर रहा था मैं, मुझे सिग्नल देना चाहिए था। और सोचो यार भोपाल 7 किलोमीटर बाकी है, अब ऑलरेडी यहाँ से अभी कौन सी ट्रेन गई थी ओवरटेक करके APS के, उसके पीछे लगी है पंजाब मेल, उसके पीछे है हमसफर एक्सप्रेस, तो बस क्या ही स्पीड मेंटेन कर पाऊँगा यार, बट चलो कम से कम यार अपना क्लियरेंस तो मिलेगा ना यहाँ से जाने का, वो आप देख पा रहे होगे अपनी जो पंजाब मेल है मेरी ट्रैक पर आ चुकी है, यहाँ पर अभी आप देख पा रहे होगे मेरे एकदम सेंटर पॉइंट पर है वो। एक तो अपने इंडियन रेलवे में गाइस ये फ्यूल को बचाने के लिए और इलेक्ट्रिसिटी को बचाने के लिए सेव करने के लिए इस चीज़ में भी थोड़ा सा उन लोगों ने एडवांस किया अपनी टेक्नोलॉजी, कि जहाँ ट्रेन में 2 UG लगाए जा रहे थे LHB ट्रेन में, नॉर्मल मेल एक्सप्रेस या सुपरफास्ट में, वहाँ आपको सिर्फ 1 UG लगाते हैं और दूसरा जहाँ तक है SLR कहा जाता है। यार मुझे उसका ध्यान में नहीं आ रहा SLR क्या है, आप मेरे को बताना, जहाँ तक मुझे ध्यान में है SLR ही हुआ। तो चलो यार पंजाब मेल जा चुकी है, ऑलमोस्ट मुझे लग रहा है 5-10 मिनट बाद मुझे सिग्नल मिल जाएगा, तो अब मैं तुम सभी से तभी मिलता हूँ, इस वीडियो को आप ट्रिम तभी करेंगे यार, वरना कुछ ज़्यादा लंबी हो जाएगी यार वीडियो। वैसे एक चीज़ है यार, मैंने कहा मैं वीडियो ट्रिम करूँगा बट मैं फिर से बोल पड़ा, जब ये पंजाब मेल को सिग्नल मिला ना मेरा वही रिएक्शन हो गया था मिनाटी वाला, असंभव असंभव बिल्कुल असंभव, चप्पल गाय मेरी ही। और बताओ तुलसी एक्सप्रेस जब से इस लूप लाइन पर खड़ी हो, खैर गाइस इसका तो यहाँ पर जहाँ तक स्टॉप होता है या नहीं होता है ध्यान में नहीं यार मेरे, आपको पता होगा डेफिनेटली अगर आपकी ये फेवरेट ट्रेन है। गाइस फाइनली भाई जान में जान आई, 12754 मराठवाड़ा संपर्क क्रांति एक्सप्रेस, ओए होए होए क्या नाम है यार, मतलब नाम ही इतना दमदार, मराठवाड़ा संपर्क क्रांति एक्सप्रेस। तो बस यहाँ पे ये ट्रेन ने तुलसी एक्सप्रेस को ओवरटेक कर दिया है रानी कमलापति स्टेशन पर, अब शायद इसको यहाँ से सिग्नल मिल सकता है जाने का, मे भी मुझे नहीं पता, बट अपने को तो मिल गया जाने का, तो चलो फोन बजाते थे एक और, क्या यहाँ से यार डिपार्ट भी करना अपने को। चल भाई वेब 7 यार यहाँ से डिपार्टिंग के लिए रेडी रह तू, अब बहुत टाइम लगा दिया यार यहाँ पे, चल भाई निकलो। होए 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 गजब जो ब्रेक रिलीज हुए अपनी ट्रेन के,
लगा दे भाई, थ्रॉटल पावर 20% लगा भाई। टाटा बाय बाय किया जाए इस स्टेशन को यहाँ से। अब मेरा आई होप ALP जो भी है भाई, फ्लैग दिखा रहा हूँ यार। एक चीज़ यहाँ पे बस ये मिसिंग है ऐसा, कोई ऐसा यार यहाँ पे ना कमांड होनी चाहिए थी कि उसको प्रेस करो तभी हमें कुछ ऐसी एनिमेशन देख जाए कि हमारी ट्रेन की विंडो से या फिर डोर पर ही ALP बाहर आके भाई झंडी हिला दे। अपना गेम प्ले वहीं सफल था फिर। ये चीज़ का इस फ्यूचर में देखते हैं कभी अगर मतलब पॉसिबल हो पाई तो डेफिनेटली करेंगे यार, क्योंकि वो हो गया ना भाई फिर अलग लेवल रियलिज्म मिलेगा। बस वो इंटरेक्शन कहीं ना कहीं मिसिंग है, वो चीज़ मिल जानी चाहिए। एज गाइस अगर जैसा आपको पता है कुछ टाइम पहले अपना MSTS कहाँ था और आज के टाइम पे कहाँ है, तो अगर इतनी इम्प्रूवमेंट हो सकती है तो कहीं ना कहीं ये चीज़ भी पॉसिबल है। तो चलो अपने पैसेंजर व्यू पे चलते हैं। अभी तो यार वैप 7 की साउंड सुनो, मतलब एक्चुअली में जो लोको इतना भारी होता है और जब किसी बड़े स्टेशन के ट्रैक्स से निकल रहा होता है वो स्लो स्पीड पे, तो कैसे ट्रैक स्क्रीच होती रहती है। और स्पेशली वैप 7 की ज़्यादातर वो आपको तभी सुनने के लिए मिलेगी जब थोड़ा सा जो ट्रैक होता है वो कहीं पे कर्व पे रहता है। एक तो भाई जल्दी से मेन लाइन पकड़ना यार, हम सफ़र कितनी थ्रॉटल पावर लगा रखी है। ले भाई डबल ले, 20 की 40 ले। एक तो गाइस ट्रैक साउंड इतनी प्यारी हो रही है ना यार, खट 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 कच। सोचो कोई बोल सकता है अभी इस स्टेशन से इतनी सारी ट्रेन्स गई होंगी, अभी थोड़ा कितना खाली खाली हो गया है, एक ट्रेन ऑलरेडी जा रही है और एक खड़ी है बस। बाय बाय हबीबगंज रेलवे स्टेशन, या तो आप ही से कुछ समय बाद मुलाकात होगी या फिर रानी कमलापति से होगी। क्या बात है यार ट्रैक साउंड सुन रहे हो? ये गाइस थोड़ी विसल साउंड जो आ रही है ना बीच में ट्रैक साउंड के, ये भाई अलग लेवल है। अपना गाइस साउंड वर्क यार कुछ अलग ही हो जाता है कभी कभी। यार ये फिर से ग्रीन सिग्नल, मुझे लग रहा है भाई तुलसी एक्सप्रेस के तो यहाँ पे लग चुके हैं गंदे वाले। देखो ऑलरेडी 2 ट्रेन ओवरटेक करके चली गई, तीसरी यहाँ पे जाने वाली है, ग्रीन सिग्नल दिया रखा है यहाँ पे। तो चलो गाइस यार मेन लाइन पे आ चुके हैं, चल भाई वैप 7 स्पीड बढ़ाते हैं यार अच्छे से। बट गाइस देखो यार सिग्नल नहीं है तो यहाँ पे मैं अगर स्पीड मेंटेन करके चलूँगा लाइक 50-60 तो ही मेरे लिए अच्छा है, वरना क्या फ़ायदा मेरा रेड सिग्नल ज़्यादा पास आ जाए और फिर मुझे कहीं आउटर पे ही रोकनी पड़ जाए ट्रेन। तो चलो यार यहाँ पे ना स्पीड मेंटेन कर लेते हैं और सिग्नल खैर हल्की स्पीड में जाऊँगा तो मिलते जाएंगे। जैसे कि आप देख पा रहे होगे 4 किलोमीटर तक का मेरा डिस्टेंस क्लियर हो चुका है, तो मैं 50-60 के अराउंड जा सकता हूँ। क्या बोलते हो 70-80 कर लेंगे यार? चलो कर लेते हैं यार। भाई ये ट्रैक साउंड अलग ही लेवल है यार। एंड गाइस जहाँ तक मुझे लगता है ये वाले जो ट्रैक साउंड्स है ना, मतलब कोच पे जो लगे पड़े हैं वो शायद मैंने ही लगाए थे। गाइस मुझे ऐसा क्यों लग रहा है यार मेरा भोपाल स्टेशन तक का पूरा कवर हो चुका है, डिस्टेंस आई मीन क्लियर हो चुका है, मुझे ऐसा लग रहा है। क्या बात है यार पंजाब मेल क्या भाग के गई है, ये बढ़िया था यार। चल भाई TKT वैप 7 वीडियो का ऑलमोस्ट एंड आने वाला है, तू भी अपना अच्छा खासा यहाँ पे दिखा दे हॉन्किंग और अच्छी खासी साउंड एक्सपीरियंस दे ही दे यार लास्ट में। बट खैर गाइस थ्रू आउट द वीडियो बहुत बढ़िया रहा है यार रन, श्रेल हॉन्किंग जो रही है 130 की रफ्तार पे जब ट्रेन चली है, जो ट्रैक साउंड हुई थी खतरनाक। और अभी तो आप ये बिल्डिंग्स देखो क्या शानदार लग रही हैं। बस यहाँ पे थोड़ा थोड़ा यार ये जो सीनरी एम्प्टी है ना, इस चीज़ पे भी थोड़ा बहुत और फ्यूचर में काम हो जाए तो बढ़िया है। बट एनीवेज गाइस यहाँ तो पूरा अलग ही यार ट्रैक वर्क भी मतलब रीमॉडल होने वाला है। तो गाइस चलो यार अब 80 के अराउंड अपनी ट्रेन जा रही है, एक काम करते हैं इसकी स्पीड को यहाँ पर थोड़ा रिड्यूस कर लेते हैं एज अपना जो भोपाल शहर है वो पास आ रहा है, मतलब शहर ही क्या मेरा रेलवे स्टेशन ही पास आ रहा है, तो अब मेरे को ट्रेन को स्लो भी करना पड़ेगा, मेरा स्टॉप भी है। तो बताओ यार डारसी से पूरा भोपाल मैंने आज कवर किया है, मतलब आज की अपनी जो जर्नी हुई है वो कहीं ना कहीं किसी मेन स्टेशन से मेन स्टेशन तक पूरी हुई है, फुल जर्नी। कैसी लगी मेरे को बताना ज़रूर यार। एक तो गाइस ये वीडियो थोड़ी लॉन्ग हो जाएगी यार मुझे लग रहा है, और भाई वैप 7 ट्रेन को स्लो करे यार, ट्रैक स्विच होने वाला अपना। गाइस यहाँ पर ये कोई ट्रेन भी है 11058 पठानकोट एक्सप्रेस, ये मुझे लग रहा है हाँ जी भोपाल रेलवे स्टेशन से जस्ट अभी निकली है। गाइस देखो यार भोपाल रेलवे स्टेशन पे 10 की स्पीड लिमिट दे रखी है, बट मैं यहाँ पे क्या करता हूँ 20-25 की स्पीड पे स्टेशन पे एंट्री ले लेता हूँ,
मतलब इतनी कोई वो नहीं है, प्रॉब्लम वाली चीज़ नहीं है कि मैं वहाँ पे एंट्री ले ही नहीं सकता इस स्पीड पे, कि ओपन रेल्स मेरे को भाई सस्पेंड करा के ही छोड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है यार। इसका 10 की स्पीड पे जाऊँगा ना यार तो ये वीडियो कुछ ज़्यादा ही लॉन्ग हो जाएगी और फिर मेरे को और ज़्यादा इसको ट्रिम करना पड़ जाएगा। तो चलो भाई, एंट्री अपने बॉस की फाइनली भोपाल रेलवे स्टेशन पे हो चुकी है। देखते हैं यार कौन से प्लेटफॉर्म पे लगाया जाएगा। अच्छा लिखा तो है यार प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे लगाया जा रहा है। गाइस यार अपना ट्रैक मॉनिटर थोड़ा लाल हो रखा है यार, एक काम करता हूँ थोड़ी सी स्लो कर लेता हूँ ट्रेन 25। हाँ जी 25 के अराउंड अगर मैं एंट्री करता हूँ तो वो ठीक है, उसके ऊपर कहीं ना कहीं थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। ओ भाई देख रहे हो यार क्या शानदार ट्रैफिक है अपने भोपाल पे। ये मालगाड़ी खड़ी है और आगे मुझे लग रहा है जो APS के आपको पता है मेरे को ओवरटेक करके गई थी, और हमारे आगे कौन सी ट्रेन थी, पंजाब मेल। जी हाँ पंजाब मेल वहाँ खड़ी है अपने किसी प्लेटफॉर्म पे। सो गाइस आज की वीडियो कम्प्लीटली मतलब ऑलमोस्ट आ ही चुकी है यार एंड पे। बताओ यार कैसी लगी सभी को, और अपना फाइनल मतलब एंट्री कैसी लगी भोपाल रेलवे स्टेशन पे, और अपना हबीबगंज रेलवे स्टेशन पर जो भाई ट्रॉलिंग हुई है उसको थोड़ा सा देख लेना, बढ़िया लगा तो बता देना कैसा लगा। ये चीज़ गाइस मैंने सोचा था यार थोड़ा सा रियलिस्टिक करते हैं अपनी एक्टिविटी को, आई मीन जैसे रियल में अपनी ट्रेन कहीं कहीं स्टेशन पर किसी बड़े स्टेशन पर कभी कभी रुकवा दी जाती है, और बहुत ज़्यादा टाइम के लिए रुकवा दी जाती है क्योंकि ट्रैफिक ही इतना ज़्यादा होता है और ट्रेन्स को लाइक मेंटेन करना होता है उनको शेड्यूल। अब अगर मेरी ट्रेन बिफोर टाइम चल रही है तो उसको कहीं पर रुकवा देंगे अगर किसी बड़े स्टेशन पर, उसका वो टाइम जो दिया गया है मतलब ज़्यादा बिफोर टाइम वाला जो टाइम है वो वहाँ पर रुक के अपना देख सकती है, मतलब पैसेंजर्स जो हैं वो वहाँ पर रुक भी सकते हैं, ऐसा नहीं है कि कहीं आउटर पर कहीं जंगल में रुकवा रहे हैं ट्रेन को। और देखो यार क्या ट्रैफिक लग रहा है अपने भोपाल पर, थोड़ा सा यहाँ पर कैमरा एंगल इधर कर लूँ अभी देखो, और थ्रॉटल पावर 0 कर लेते हैं और ट्रेन को थोड़ा और ज़्यादा स्लो कर लेता हूँ, मेरा सिग्नल पास आ रहा है। सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडे वीडियो, आई होप सभी ने यार एंजॉय किया हो मेरे साथ। और यहाँ पे अब अपना स्टॉप लग चुका है, तो बताना ज़रूरी यार आज की वीडियो सभी को कैसी लगी, लाइक कर सकते हो, अगर पसंद आई हो तो कमेंट भी कर सकते हो, आप ये बता सकते हो कि नेक्स्ट वीडियो कौन सी देखना चाहोगे, मैं कोशिश करूँगा कि वो बना पाऊँ। तो अब मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और टेंशन ना लेना जल्दी आएगी, एक्चुअली इसको लाने में यार थोड़ा मेरे को टाइम इस वजह से लग गया, खैर आने वाली वीडियोस में बताता हूँ, अभी इसको फिनिश कर देते हैं। एंड गाइस ये देखो 20481 भगत की कोठी से TPJ, यार ये कहाँ का कोड हुआ, कोई हमसफ़र एक्सप्रेस यहाँ पे अराइव कर रही है, अपनी हमसफ़र ने अराइव किया यहाँ पे, हमसफ़र ने भी अराइव किया, क्या बात है यार कोइंसिडेंस, देखो क्या शानदार हुआ है, क्या इसी वजह से अपनी उसको वहाँ पे स्टॉप मिला था हबीबगंज पे, मे भी हो भी सकता है मुझे नहीं पता यार, बट कोइंसिडेंस यहाँ पे अच्छा था। तो चलो गाइस सबसे अब अगली वीडियो में मिलता हूँ, स्टे सेफ, कीप वॉचिंग माई वीडियोस, अपना ध्यान रखो, मेरी वीडियोस देखते रहो, आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो नाउ। अब मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।